Good evening, friends. Good evening. Share market. India 2019 and beyond. So, when I decided to write on the subject, I was not knowing what to say, what not to say. One thing I was sure, okay, the person who listens here would take away something about the economy, something about what are the parameters which they need to do when they invest. And in the end, nobody knows what is going to happen. But you'd be at least different than before. That is, I'm sure. Because while preparing the papers, I'd gone through 7 to 8 presentations prepared by someone from YouTube. And I myself is a chartered accountant. And I scored around 87 in finance management. And I'd been in the share market up to 93. And I had around 125 company share, around more than 1 crore on that day, on 93 days. And this is background. Since then, I left the share market. I don't have a single penny share right now. So, this is the background in which I am. Let's go ahead. Next slide. Share market or India, दोनों साथ साथ चलता है. और मैं बोलता हूँ इंडिया के पीछे शेयर मार्केट चलता है. शेयर मार्केट इंडिया जैसे चलता है वैसे ही चलता है. शेयर मार्केट इज नॉट बियॉन्ड इंडिया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आई हैव बीन अ वेरी मैं चाइना का बहुत फैन हूँ. मुझे चाइना बहुत पसंद है. I'd been to China for around, मैं उस टाइम मैं जब गया था, I'd stayed in China for 6 months. I'd been so, अरे, कुर्सी चेयर, I was so magnified by Chinese people, Chinese the way they're walking. And I decided that on that day, that India is far, far ahead than China. Far, far ahead than China. But in 1980, China and India were almost on the same path, same parallel. Today, China is so huge, you cannot dream that you become a China. Okay? But I assure, after this presentation, you would agree that we can reach there in no time. No time, matlab, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ घुस गया तो वो पॉसिबल है. पहली चीज मैंने चाइना में देखा, वहां वुमन एम्पावरमेंट सॉलिड था. क्या था? आप सब लोग बैठना दोनों. चाइना में वुमन एम्पावरमेंट बहुत सॉलिड था. चाइना में कोई भी जगह पे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एनी एग्जीक्यूटिव वुड बी वुमन एंड जेंट्स वुड बी ट्रॉली एंड एवरीथिंग. दे आर बैक एंड पर्सन. एंड नरेंद्र मोदी हैज डन अ वेरी वेल डन जॉब टू डू दैट. अगर आज आपने देखा है, आप कोई भी पुलिस स्टेशन में जाओ, कोई भी कोर्ट में जाओ, कोई भी गवर्नमेंट में जाओ, लेडीज को बहुत पावर. एंड इफ इंडिया हैज टू ग्रो, इफ वुमन एम्पावरमेंट इज देयर, इन माई ऑफिस आई हैव डिसाइडेड 50% और मोर शुड बी वुमन एम्पावर staff, not employee, but women. होना चाहिए. And one more thing, मेरा client 50% होने चाहिए, but वो है नहीं. I think 5 to 10 years. And अभी reservation 33% in MLA MP. पहले ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के सामने हम हार गए थे सेमीफाइनल में, वुमन जीत गए. हम ओलंपिक मेडल लाते थे, वुमन लाते थे. तो वुमन मिस इंडिया बनते थे,
हमारे लोग भी बोलने लगे एंड हमारे देश का कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में, ममता के हाथ में है और मायावती के हाथ में है, तो कोई हमारा कंट्रोल धीरे धीरे इनसे हाथ में जाएगा। मैं जहाँ गया था तो मुझे एक स्टोरी सुनाई थी, जहाँ वो लग्जरी कोच होता है ना, तो उसमें जो जो लेडी थी तो वो मुझे कहानी सुनाई थी, स्टोरी सुनाई थी, मैं आपको रिपीट कर दूँ। मुझे मैंने जब डिसाइड किया तो मैंने नहीं सोचा था, वो जो वुमन ने जो स्टोरी सुनाई थी कि एक लड़की थी, उसका हस्बैंड था इज अ डॉक्टर डेंटिस्ट एंड वेरी वेल डन। वो अपनी वाइफ को फ़ोन करता है, मैडम आर यू फ्री टू टॉक विद मी? बोले यस आई एम फ्री। बोले आज मेरे यहाँ पेशेंट आ गया है तो मैं घर पे आके खाना बना दूंगा, तुम थोड़ा वेट कर लोगे और कल मैं आपको ट्रीट के लिए। सो दिस इज द पावर ऑफ डोंट बी मेसमराइज। ओके, लोग एजेंट्स को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इट डजेंट अफेक्ट योर मेंटल स्टेट बट इट इज़ नीडेड फॉर इंडियन इकोनॉमी। कुछ लोगों का थोड़ा डर गया है, कोई डरने वाला कुछ नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग विच टेक्स शेयर मार्केट टू अ डिफरेंट लेवल 100%। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे मोदी साहब की गवर्नमेंट आए, राहुल गांधी साहब आए, या कोई भी गवर्नमेंट, इंडिया इज गोइंग टू ग्रो एट अ फास्टर रेट। गांधी साहब ने, मोदी साहब ने ये सब किया, किसके कहने पे किया? आधार कार्ड, आधार कार्ड किसकी बेबी थी? यूपीए। और उसका इस्तेमाल किसने ज़्यादा से ज़्यादा किया? इन्होंने 16.5 एलपीजी कनेक्शन था, सो 3.5 वाज अ ग्रॉस कनेक्शन, इट्स बीन रिड्यूस्ड, इट्स बीन गॉन अवे। 11.5 रेशन कार्ड थे, 1.6 लैक्स वर घोस्ट गॉन अवे। फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिस थी, उसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी वॉज डिपेंडेंट ऑन नॉट दिस थी आधार नहीं, बट स्टिल 340 पीपल लोगों ने अपना ये स्कीम सरेंडर कर दिया, मुझे ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं चाहिए, बिकॉज दैट डिस्ट्रीब्यूटरशिप वॉज नॉट प्रॉफिटेबल बिकॉज कफला ऑलमोस्ट गॉन। सो पर एनम गवर्नमेंट इज गेटिंग $4.1 billion एक्स्ट्रा to spend money for our country, okay? So share market कैसे बढ़ेगा? Only three things: money is coming into system, okay? इन्होंने एक और एक फायदा करवाया, 342 बंगलोस थे जो बाहुबली, अपना जो बाहुबली मतलब MP MLA ये लोग खाली नहीं करते थे, आज तीन आदमी बचे जिन्होंने घर खाली लिखे, बाकी सबको खाली थे। दिस गवर्नमेंट इज सिस्टम ओरिएंटेड एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एलईडी बल्ब 2014 में इन्होंने एलईडी बल्ब इशू किए का इंट्रोडक्शन किया। जब इंडिया में भाव था तो 2014 में क्या भाव था? समझिए, अराउंड 500 द बल्ब मिलता। उन्होंने ये बल्ब इतनी क्वांटिटी में ऑर्डर किया कि आज भाव 50 से नीचे है। ओके, एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एलईडी बल्ब आने से व्हेन एनएम स्टार्टेड नेशनल उजाला डिस्प्ले, वी आर यूजिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी, एलईडी बल्ब वाज वेरी वेरी हाई, द सेम वाज स्टार्टेड कमिंग फाइंडेड टू अ वेरी लो लेवल, द सेविंग बिकॉज ऑफ एलईडी पर एनएम एज ऑन 31st August, मैंने आज उजाला की साइट पर से निकाला है, एनर्जी 16,700 crore पर डे इज पर ईयर इज सेव, 8,062 पीक यूटिलाइजेशन पीरियड सेविंग इज देयर। हाउ मच वन मैन्स विजन इज सेविंग फॉर द कंट्री। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये पैसा कहाँ जाएगा? GDP ग्रोथ में। दिस इज द ओनली गवर्नमेंट आई सी विच हैज डन सो मैनी फार रीचिंग इफेक्ट कि शेयर मार्केट आज जो दिखता है इसे कहीं ऊपर जाए। मनरेगा, वेरी फेमस स्कीम ऑफ कांग्रेस यूपी, एंड व्हाट दे वर डूइंग,
whenever this there is a Mandraka means some of the employee, any citizen who doesn't get a minimum wage, they need to be employed by the government compulsorily, and they have been given a pay in the form of employment. 30 to 40,000 crores were spent in a year with no result, zero result. This case has been changed. They say that this resources, ये जो पैसा है वो पहले स्कीम बनाओ उसमें डाल रिवर सैनिटेशन रिवर को अंदर डीप किया रिवर को ब्रॉडन किया चेक डैम बनाए तालाब को ऊपर लाए काफ़ी चीज़ें वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट में किया वन मिलियन वाटर बॉडीज आर क्रिएटेड इन लास्ट फोर ईयर्स ओके आज तक किसी ने वाटर बॉडीज देखा 1 मिलियन किसी ने एक भी देखा बट इट इज़ देयर मिलियन ये अगर आप गुजरात में देखें लास्ट 15 इयर्स दे हैव यूज चेक डैम का गुजरात में इतना यूज़ हुआ है कि लास्ट 10 to 15 इयर्स 10% इज जीडीपी फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम गुजरात आज गुजरात में दूध की नदियां बहती हैं 100% कहीं भी कोई भी गांव में जाओ दूध मिलता है बढ़िया सो और पहले आप सौराष्ट्र में 15 साल पहले जाओ तो सौराष्ट्र में चाय नहीं पी सकते चाय में सॉल्ट आता नाउ इट हैज बिकम अ चेंज इवन इन चेरापुंजी बारिश होती है तो पानी होता है बाकी पानी पीने का पानी नहीं इसका डर बहुत रही दिस होल गवर्नमेंट द स्कीम टू चेंज द होल कंट्री इन अ डीप वे डिफरेंट सो दिस इज अनदर माइंड बॉगलिंग चेंज Next slide, please. GST. अभी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है बिकॉज ऑफ GST ओनली कितना है 1 lakh crore नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अराउंड 1 lakh crore अराउंड 1 lakh crore है अभी दो चीजें हैं इलेक्शन आ रही है तो उन्होंने RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का इम्प्लीकेशन नहीं किया है इलेक्शन जैसे ही खत्म हो जाएगा रिवर्स चार्ज आ जाएगा अभी जो आप आउटपुट का क्रेडिट का टैक्स भरते हो इनपुट क्रेडिट ऑटोमेटिक दे देते हैं देव अ सिस्टम कॉल बिल टू बिल चेक नहीं करते एंड इट इज अराउंड 1 lakh crore मोर देन 1 lakh crore इज अ इनपुट क्रेडिट पीपल आर यूजिंग अगर इसमें से 10% का रेवेन्यू लीकेज मिल जाए huge amount. And GST आने से GST is creating a trail in the transaction. मैं आपको बताता हूँ GST आने से पहले लोग बाबू लोग क्या करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई सीन माई फ्रेंड्स आई सीन माई बिजनेस मैन दे वर डूइंग मनी दे ये लोग मैं जो कमाता हूँ उससे टैक्स मिनिमम भरते थे उनके पास अच्छी गाड़ी थी अच्छा घर था अच्छे कपड़े थे फॉरेन ट्रैवल करते थे टैक्स भरे तो कितना भरा पता नहीं मैं भरता था इसलिए मैं बोल नहीं सकता GST आने से इनको GST नंबर तो लेना पड़ा अब GST में जो भी लिया उसके सामने टैक्स भी भरना पड़ेगा हमारा जो कंट्री है वो टैक्स कंप्लायंस में बहुत आगे है पता था हमारे CA बहुत पावरफुल है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हमारे जो CA है पूरे वर्ल्ड में फेमस है आर्टिकल क्लर्क भी पहले से फेमस है कितना टैक्स भरवाते हैं क्लाइंट से 10 to 12% ऑफ ए GDP एशिया में हमारा जो बांग्लादेश है हमारा पाकिस्तान है वो हमसे ज़्यादा टैक्स कंप्लायंट है हमारा जो टैक्स कंप्लायंट का जो रेशियो है विच इज लेस देन इवन साउथ अफ्रीका So GST आने से tax become more compliant. The more you comply with the tax, more revenue would be generated. पहले दो नंबर के लोग पैसा करते थे अभी धीरे धीरे बहुत कम हो जाएंगे Now can you believe that government has started a system 31st July को return करो नहीं तो penalty करो मेरे यहाँ मुझे याद है we were filing हमारा जो total score 31st March 18 को जो था उसका 40% return ही हम
31 मार्च 17 के पहले बढ़ते थे, आज हमारा रेशियो आ गया 85%. टू यूज रेशियो पहले एक साल पहले, इसके पहले वाली स्लाइड नंबर ऑफ रिटर्न फाइल. पहले जीएसटी में अगर किसी को बॉम्बे टू बॉम्बे माल सप्लाई करना है आगे बॉम्बे टू विद इन सेम स्टेट देर वॉज अ प्रॉब्लम. नाउ देर इज द ईज ऑफ डूइंग अ बिजनेस. पहले दिल्ली से मद्रास ट्रक जाने में 6.5 दिन लगता था, अभी 4 दिन में ये ट्रक पहुंच जाता है, कोई बीच में रोकता नहीं. एंड मेनी ऑफ द बिजनेस, मेरा एक क्लाइंट है ही इज इन द बिजनेस ऑफ लॉजिस्टिक. उसका लॉजिस्टिक का बिजनेस मॉडल चेंज हो गया. कंपनी पहले यहाँ माल डंप करती थी, जो भी कंपनी बिजनेस करती थी तो वो हर स्टेट में अपना डेपो खोल देती थी. अब उन्होंने डेपो रिमूव कर दिया, दे हैव रिमूव द डेपो. एंड आई टेल यू वन मोर प्रोजेक्ट विच इज गोइंग टू कम इज गोल्डन कॉरिडोर प्रोजेक्ट. इसमें 3000 किलोमीटर रेलवे लाइन एक्सक्लूसिवली फॉर गुड्स ट्रेन विच इज गोइंग फ्रॉम लुधियाना टू कलकत्ता, दिल्ली टू जेएनएलटी मतलब बॉम्बे. एंड आई टेल यू दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू रीओपन, उसका एक कुछ पार्ट चालू कर देंगे विद इन 3-4 ईयर्स. इट विल बी ओपन फॉर ऑल. कोई लोग ये बोलते हैं कि इंडिया इज फार बिहाइंड, नो वे. ये जो है वो लॉजिस्टिक सिनेरियो. अब आप बोलते हैं कि रेलवे से क्या होगा, रोड में जो कॉस्ट होती है इससे 1/10 कॉस्ट रेलवे में. अगर आप एक ट्रक यहाँ से दिल्ली से कलकत्ता भेजते हो और अगर यही चीज़ आप ट्रांसपोर्ट में भेजोगे तो 10 times कॉस्ट ज़्यादा है. एंड अभी तो चालू है, अभी तो गाड़ी चालू हुई है. एंड वी विल ब्रेक ऑल बैरियर्स ऑफ ऑल कंट्री. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हमारा ये जो लोग थे ना वो कैश लविंग पीपल है. सब घर में, कितने लोगों ने घर में कैश मिली ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन, गद्दे के नीचे, भगवान के नीचे, कहीं कहीं से कैश मिलती है. आज भी मिलती है, आज भी लोग मुझे बोलते मुझे कैश मिल गए. कैश लविंग पीपल, व्हाट डू यू मीन बाय कैश, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद कैश. आई टेल यू व्हेन आई पुट अ मनी इन अ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर्स अ मनी एंड प्रिंट इट एंड put it in the market, if it goes to a cash, there will be 1 ripple. It goes to bank, it will be 7 ripple. So government ने जो demonetization किया उनका 3 goal था. पहला goal plan A उनका बहुत बढ़िया था but fail हो गया. मुझे क्यों पता है कौन responsible है, मोदी साहब responsible है, एक दूसरे के दोस्ती responsible है, मुझे नहीं पता. But 99.7% cash has been deposited. And government has started in issuing a notices to individual customer, individual taxpayer who have deposited the cash. Okay. It's a question of litigation between government and these things. But people have started operating with the cash. उन्होंने पक्षी उड़ा दिया. लोग डरते हैं. लोग पूछते हैं कि 500 की नोट भी अभी 2000 की नोट भी बंद हो जाएगी, 2000 की बंद हो जाएगी. अरे बाबा टैक्स भरो ना. But और बैंकिंग इज वेरी पुअर. बैंकिंग का पुअर का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, वाई इंडिया इज फार बिहाइंड इन चाइना. बोरोइंग ऑल्सो पुअर, अवर आउटपुट इज ऑल्सो प्योर. वंस दिस होल सिस्टम गोज शेयर मार्केट विल गो अप. नेक्स्ट स्टेप इज 99.7% टैक्स रेवेन्यू एंड करेंसी लॉकर इज कमिंग टू बैंकिंग सिस्टम. सो बिकॉज ऑफ द कैश डिमोनेटाइजेशन 1:7 ripple इफेक्ट हैव बीन स्टार्टेड. जो लोगों ने बैंक में भरा वो पैसा बैंक से बाहर आने में टाइम लगेगा. ओके, तो ये रिपल इफेक्ट अभी आज 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 का जीडीपी रेट क्या बता रहा है? 8.2. आई थिंक इट कुड क्वाइट डबल डू वेरी शॉर्ट. ये जो इफेक्ट आना चालू हो जाएगा 10%. शेयर मार्केट इज गोइंग टू मूव. कहाँ शेयर लगाना वो भी मैं आपको बताऊंगा. आई टेल यू वेयर टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट ऑल्सो आई विल इन्फॉर्म यू, आई विल गाइड यू थ्रू. ओके, रिपल इफेक्ट चाइना वर्सेस इंडिया.
In 1980, we and China were at the same stage. Today, they are very high. Because of China, ke paas kya hai jo India ke paas nahi hai? Leadership? Do you think India don't have a leadership? Manpower? Resources? 80 ki baat karo, aaj ki baat nahi karo. At the same time, one thing which is very good with China is unka debt ratio. China ka jo debt upon GDP hai, bada aise chalu kar de, GDP, debt upon GDP is of India is 57%. हम लोग जो बोरो पैसा करते हैं और हमारा जो जीडीपी है ग्रॉस डिपॉजिट प्रोडक्ट इसका रेशियो 50% चाइना में 211% है. इसका मतलब क्या है? वी दे आर डूइंग 4 times बिजनेस देन वी आर डूइंग द बिजनेस. ओके, वन ऑफ द मेन रीजन, फंडामेंटल रीजन इज दिस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यह इंडिया चाइना का डिफरेंस है. अभी क्या हुआ? नाउ आई एम लेट इट बी हियर. अभी क्या हुआ? अभी हमारा 211 हो जाएगा. वाई? जीएसटी. सेकंड, कैश. अभी बैंक भी अभी 10,000 से ज्यादा आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो अगर आप इनकम टैक्स ऑफिस में जाते हो ना तो वो लोग आपको नोटिस दिखाते हैं, साहब तुमने 2011 में ये पैसा भरा है. आई गॉट अ नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड आई आस्क हिम व्हाई यू सेंड मी अ नोटिस. He said, I have a report from PMO office. PMO office में किसी ने और घर वाले ने उनका बैंक का पूरा स्टेटमेंट दे दिया और PMO office ने हमको पूरा बैंक स्टेटमेंट दे दिया कि ये तुम्हारे बैंक में पैसा है, तुमने रिटर्न में क्यों नहीं दिखाया. Are you getting what I'm saying? अगर तुमने टैक्स नहीं भरा, ओके, और तुम्हारे तुम्हारा ही एम्प्लॉई, तुम्हारा स्टाफ, तुम्हारे घर वाले, मियाँ बीबी का झगड़ा होता है तो पहले क्या होता है? बच्चे. So why don't we pay tax and be happy? Okay, are you getting? Yes, no? Yes. 211%. We would be far ahead than that. Next slide, please. Banking से. अभी तक क्या होता था? मैंने बैंक से 50 crore की लोन ली. I'm a mill. Okay. मेरे को पेमेंट करना है स्टाफ को. मैं बैंक के पास जाऊंगा. मुझे पैसा दो ना. बोले बैंक वाले तुम्हारी लिमिट नहीं है. बोले साहब हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, आपका आपका अकाउंट एनपी हो जाएगा. चलो ठीक है, रिवाइव कर लो, तुम ये पैसा दो ये लो. जब नरेंद्र मोदी साहब पीएम बने उस दिन के 10 दिन के अंदर बैंकिंग पूरा खोखला गया था. उनको पता है तो लाइक पूरा डेड बॉडी था. Employee were bogus. PSU की बात कर रहा हूँ, not real one. 20 PSU is having 70% of disposable fund which Indian banking system has. So banking system पूरा खोखला कर दिया था. क्यों? उन्होंने पहले ऑफिशियल को पकड़ा. तुमने गलत काम किया, लोगों को जेल में डाल दिया, लोगों को पनिशमेंट भी किया. इसका इफेक्ट क्या हुआ? आज कैपेक्स, कैपेक्स मतलब मालूम है? कैपेक्स मतलब जो आप इन्वेस्ट करते हो, इसको कैपेक्स बोलते हैं. इसकी वजह से जीडीपी बढ़ती है, इसकी वजह से कैपिटल भी बट इट हैज नॉट कम बिकॉज बैंक ऑफिसर्स आर वरीड इफ आई डू रॉन्ग आई एम लाइकली टू बी पनिश. बीन रिस्पॉन्सिबल, दे हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड ओनर. आज इनकम टैक्स ऑफिस में हम स्क्रूटिनी करने जाते हैं, ओके, तो आज बोलते हैं स्क्रूटिनी करो. बोले साहब नहीं, हमारा टारगेट रखा है, इनको टारगेट दिया है, तुम्हारा 100 scrutiny में 40 तो तुमको ई स्क्रूटिनी कंपल्सरी करना पड़ेगा. दे आर सो कोऑपरेटिव, आप ये कर दो ना. सो यू नो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. मैं ये नहीं बोलता मोदी साहब ने ये किया. मैं मेरा जो फ्रेंड लोग है जो मेरे साथ में है एम टेक लोग कलेक्टर की छोटी मामलेदार की जॉब में जाते हैं. इतने पढ़े लिखे लोग मैंने एक नहीं, मैंने 4 लोगों को देखा है. अगर ये लोग कंट्री में मामलेदार में खड़े रहे तो कैसे इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा? माइंड बॉगलिंग. यू कैन बिलीव द यू नो इट्स लाइक दिस. हम लोग 2 TV series देखते हैं, एक जी न्यूज देखते हैं, दूसरा NDTV देखते हैं. ओके, जी न्यूज में जो भी आएगा वो क्या आएगा? मोदी साहब के बारे में अच्छा आएगा.
और एनडीटीवी में क्या आएगा, जो भी आएगा धड़ाधड़। तो इंडिया जीटीवी जितना अच्छा भी नहीं है और एनडीटीवी जितना बुरा भी नहीं, इसके बीच में है। आपको न्यूज़पेपर में सब डिस्काउंट करके पढ़ना पड़ेगा। एफएम, यू नो, इवन अवर एफएम हैज मेड लॉट ऑफ रिप्लाई एंड हैज बीन समन, ही हैज बीन टेकन केयर एंड ही इज गोइंग टू। कभी किसी ने सोचा था कि कोई मिनिस्टर जेल में जाएगा? जा रहा है। एसी किसी को चाहिए? एसी थोड़ा फास्ट चल ले। हां हां, मैंने सोचा क्या ऐसे फास्ट करते हैं। पहले पहले हम ये, मैं बीच में कहीं जाता हूँ, आई विल बी बैक शॉर्टली। लेंडर्स, जो जो हमारा लेंडर क्या बन जाते हैं, जवाई बन जाते थे। लोग पहले पूछते थे कि जिस आदमी ने जितनी बार देवाला फूका उसको जल्दी लड़की दे देते। यस नो? हाँ था ना। बोले वो गांव में कौन है जो जिसने टाइम इज चेंज, लल्लू प्रसाद यादव इज इन जेल, मायावती काफी लोग जेल में जाने की तैयारी में है, जिसने लॉ ब्रेक किया डोंट बॉदर, माया कोडनानी इज ऑल्सो इन जेल। अभी कोई गवर्नमेंट छोड़ेगा नहीं, जिसको जो करना है करे। एंड आई एम एन इनकम टैक्स, मैं इनकम टैक्स का रिटर्न भरता हूँ। मुझे पता है जिसने 5-7 साल पहले 1 करोड़ की चोरी की, बराबर है, 1 करोड़ का टैक्स जो 30 लाख भरना था नहीं भरा, आज इनके आंख में से आंसू निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? 1 करोड़ से ज़्यादा 1.5 करोड़ भरना आता है और पैसा है नहीं, और पैसा है तो भी कहीं अच्छी तरह के इसको। तो वेन एवर इट कम्स टू, एम आई राइट, इट इज वेरी, यू कैन बी, और सब सिस्टम में लिखा हुआ है। तुम्हारा TDS में ये आ जाएगा, GST में आ जाएगा, तुम बोलो मैं टैक्स नहीं भरूंगा। जिसको भी आगे आना है, दे हैव टू पे टैक्स, अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी परफेक्ट। ओके, टेंडर, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नाउ डू यू थिंक दे आर लिविंग हैप्पीली? नो वे, यू डोंट नो देयर माइंड। हमको बाहर से लिखता है, दे आर ईच मोमेंट देयर। अभी एक नया कोड आया IRC कोड, इंस्टॉलमेंट रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग। गवर्नमेंट 180 डेज में तुम्हारा पूरा बैंक का, ये मेरी ऑफिस है, मैंने बैंक से लोन लेके पहले 10-20 साल तक बैठा रहता था, बैंक का पैसा नहीं भरा, 182 में खत्म, 360 डेज में तुम्हारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। इज इट गुड और बैड? इट्स एब्सोल्युटली गुड। पहले गुड मनी इन्वेस्टेड फॉर बिजनेस and it remains bad forever. Now good money become bad money. Let's 100 में से 40 आए, चलो 40 उठाओ, but ये एक मुर्गा कटा, एक पक्षी उड़ गया, बाकी 100 दौड़ते रहते हैं। अभी हम बैंक के पैसे से जलसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नहीं, ये मेरी स्लाइड नहीं है, इसके पहले, हाँ ये, सॉरी, ओके, बेनामी प्रॉपर्टी क्या होता है कि मैंने मेरे स्टाफ के नाम से जमीन खरीदी। शाहरुख खान इज कॉटिंग वन ऑफ द डील इन विच हिज नेम इज प्रॉपर्टीज इन हिज नेम एंड दे हैव मेड अ सिंबल, इन्होंने इसको ब्रांड इमेज बना दिया। एंड जिसके नाम पे दो नाम की प्रॉपर्टी, आज मुझे पूछते हैं साहब क्या करो। इट्स नॉट ईजी, पहले था। एंड हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट नेहरू फैमिली, ये जो ट्रस्ट में जो भी जो बहुत सारे डिफरेंस आए हैं, कुछ तो नेहरू फैमिली को टारगेट करके आए उनके पास। अभी 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 लेटेस्ट थिंग विच इज लाइक दैट, ऑल योर शेयर अकाउंट शुड बी इन अ डीमैट फॉर्म। व्हाई दे वांट इन अ डीमैट फॉर्म? बिकॉज नो डीमैट अकाउंट कैसे बनेगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो जो जिसके पास 2 नंबर के शेयर है, वो विद इन नो टाइम, डेडलाइन इज 31st December। ये गवर्नमेंट वेरी लिबरल है, हमको ये 19 का इलेक्शन किसी बात जीतने दो, फिर सबको इनकम टैक्स में भी लोगों को परेशान करें, GST में भी करेंगे, तुम पैसा दो। और जो ऑनेस्ट पेयर है, हमारे परवर साहब जैसे जो कुछ लोग हैं, जो एम्प्लॉय है, पूरा का पूरा रुपये टैक्स भरते हैं,
आके मुझे बोलते हैं साहब मैंने एक रुपया भी तुम चोरी नहीं करवा देते हो टैक्स भरवाते हो दे वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड दे शुड बी प्राउड ऑफ देम मतलब मैं पूरा पैसा भरता हूँ बाकी सब चोरी करते हैं उनका टैक्स और जो क्या बोलते हैं मर्सिडीज और फरारी लेके घूमते सेम टैक्स भरते हैं दिस वुड गॉन ऑफ द डेज अभी 850 केस ऑफ आईआरसी हैज बीन लॉन्च 12 केस 11 ऑफ द 12 केस इज सॉल्व एंड 3.25 लाख करोड़ इज ऑन द स्टॉक गॉन ओके 30,000 करोड़ is SBI's recovery this year. It has debited to their profits upon 30,000 crore because of IRC. Huh? Okay. Kaun si company bhej di next stand mein hoga? Okay. Again, koi galti se kahin aur slide chali gayi. But many companies are gone. Okay. And so on see. Yeah, here I am. Swiss challenge method. Inhone ek Swiss challenge method introduced kiya hai. Which would be so transparent to both. Government is proactive. Ab government ke pas koi bhi proposal leke jao, which is beneficial to revenue, beneficial to people. They would always accept and start implementing it. Bosan still gone, Ruchiswa gone, Elector gone, Binani gone, JP gone. JP has already gone out of hand of the company. It has been, there is a dispute between जिसने फ्लैट ओनर है उसके बाद में डिफरेंस है बट उनके हाथ में तो उन्हें मिल गया अनिल अंबानी हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट अनिल अंबानी इज सोल्ड आरकॉम की काफ़ी एसेट है बेच दी क्यों पैसा भरना था डेप्रेडेंट कंपनी थी अगर ये एक्ट नहीं होता तो क्या करता गवर्नमेंट का कमेंट हो जाता पॉजिटिव गवर्नमेंट PSU एक PSU अबाउट 1.27 करोड़ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज रजनी क्या करता है काला में रजनी काला में क्या करता था कोई भी चीज चाहिए तो दे देता था नेक्स्ट स्लाइड थी ये स्लाइड है US फेडरल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस इज लिक्विडिटी सिंस 2008 में हमारा जैसा ही दूसरे देश भी है EU जापान बैंक ऑफ जापान एंड अमेरिका फेडरल मीन अमेरिका ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज यूएसए में ओबामा ने प्राइस अर्निंग रेशियो करके इन्होंने काफी लोगों को बचाया व्हाट दे डिड दे इंफ्यूज द फंड इन द बैंकिंग सिस्टम टू सेव AIG गोल्डमैन सैक्स Washington Mutual Fund, Lehman, Morgan Stanley and Merrill Lynch. These are the company in deep trouble. They have been saved by federal government through Obama. And the same is with European Union. This has happened in 2008. This has happened in, I don't know exactly. Greece become bankrupt. Italy become bankrupt. Portugal become bankrupt. Unka EU ka union hai unko bachaya. And Bank of Japan is doing this for years and years. Now, अब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट बचाती है तो होता क्या है They print the currency. They print the currency and put it in the market. इससे क्या होगा एसेट का प्राइस बढ़ेगा क्या बढ़ेगा एसेट का प्राइस बढ़ेगा एसेट का प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो पूरा इकोनॉमी इज बबलिंग बट नाउ नॉट जेन्युइन Now it would be a different company. कौन रिटायर हो गया रजनीकांत रिटायर ऑल ऑफ द मोस्ट ऑफ यू RBI विल नॉट प्रिंट द करेंसी टू सेव दिस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ये हमारा कंट्री की बहुत एग्नी है अभी कोई पेशेंट मर जाता है मरने पे है उसको एक बहुत प्रॉब्लम है तो ब्लड चढ़ाते हैं और एक दूसरा है डॉक्टर है वो ब्लड निकालता है क्या कर तो हेल्थ कैसी रहेगी इंडिया वॉज इन सेम कंडीशन सिंस लास्ट 17 ईयर्स हम लोग क्या करते थे SBI वेयर ब्रिंगिंग द मनी 294 बिलियन रुपीज हैव कम सिंस लास्ट 17 ईयर्स नेट FOI 244 बिलियन इससे हिंदुस्तान लिवर का जो कैश इनफ्लो है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और ये सब आ गया ये दोनों मिला के कितना होता है 600 300 और 500 550
इसमें से हमने कितना बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया? गोल्ड 427 बिलियन डॉलर इम्पोर्ट। हमारा हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कोई पैसा बचा ही नहीं। वेरी रेयर मनी इज देयर बट स्टिल वी हैव ग्रोन। अगर ये गोल्ड इम्पोर्ट बंद हो जाए तो क्या होगा? अभी गोल्ड इम्पोर्ट कम होगा कि नहीं होगा? टू थिंग्स वेर गोल्ड विल नॉट बी अ मेन थिंग। फर्स्ट, गोल्ड किसको पसंद था? ओल्ड एज लोग। अभी यंग लोग आ गए। पहले क्या था? कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अभी टुडे हाउ मेनी SIP इज देयर? 2 करोड़? हाउ मेनी? 1 बिलियन। 1 बिलियन इज आई 1 बिलियन इज अमाउंट व्हिच regularly monthly gets invested in SIP. $1 billion. $7,300 crore per month. $7,300 crore SIP is coming. पहले FII पैसा ले जाते थे, इंडिया वाले रोते थे, ले जाओ हम बैठे। पूरी इकोनॉमी SIP पे चलती है। SIP क्यों करना चाहिए ये भी मैं यहाँ बता रहा हूँ। मैं पूरा पहले मैं यू नो व्हाई आई डिड नॉट गो फॉर अ इंडिविजुअल थिंग्स बिकॉज पीपल ऑलवेज माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी देयर कि क्यों आपने वो क्वेश्चन में पूछूंगा फिर बाद में ले जाऊंगा। और रूल नंबर वन यहाँ का, जिसको बीच में उठ के जाना है जा सकता है, ओके, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू लास्ट फॉर एटलीस्ट 1.5 आवर मोर। तो जिसको बीच में उठ के जाना है जाए। और ये प्रेजेंटेशन है मैं ब्लॉग में रखूँगा, ये जो ऑडियो है वो भी मैं ब्लॉग में रखूंगा, तो कोई जाएगा तो कोई कुछ भी चीज मिस नहीं करेगा, ओके। सो एनीबडी कैन गो, हम 2-3 लोग बचेंगे तब तक मैं बोलूंगा, ओके। सो एनीबडी वांट्स टू गो, नो इशू, थैंक यू। बीच में राजू भाई चाय और पानी पिलाते रहना, ओके। कहा थे नेट फॉर वॉरेन बफेट, आज तक इंडिया में कोई रुपी इन्वेस्ट नहीं किया है। हाउ मच मनी इज इन्वेस्टेड? ही हैज प्रॉमिस्ड टू 25,000 करोड़ इन पेटीएम। नाउ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, ओके। मैं कभी टीवी नहीं देखता, हार्डली 15 मिनट्स अ डे, ओके। मैं किसी के घर पे नहीं जाता, आई नेवर गो टू एनीवन्स प्लेस एक्सेप्ट टू पर्सन्स प्लेस। सो और मैं इकोनॉमिक टाइम्स के सिवाय कुछ पढ़ता, तो आई हैव अ वेरी पावरफुल डीप अंडरस्टैंडिंग नॉट ओनली। एंड आई हैड बीन इन अ कंपनी एज एन ऑडिटर वेयर वी पब्लिश द बैलेंस शीट, तो मुझे लोग क्या पढ़ते हैं और मैं क्या बेचता हूँ वो भी मुझे पता है, ओके। तो रियल थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट देन व्हाट इट इज। वॉरेन बफेट, न्यू ट्रेंड SIP, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी डबल इन 2 years। अभी 5 लाख करोड़ है, it will be 10 lakh in 2 years, in 5 years time. Young generation is not going to go. Gold has lost its charm. ये पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा market में जाएगा, either debt or equity. Debt or equity. Debt is also important. Next slide please. हाँ, ये किसका NDTV का news है? गोरखपुर में tragedy में 60 लोग मर गए, okay? 60 people have died. Gorakhpur tragedy, 16 children died in Baba Raghavendra Hospital in a week amid oxygen supply disruption. Next slide please. ये news है, किसी ने इसको dig किया, बोले ऐसा तो कैसे हो सकता है? He said in 2014, this is the people average death is 16. Okay? And we are not proud of any death, huh? Okay? कम हुआ death होना ही नहीं चाहिए. So don't go into that example. 19 हो गया, 16 में 17 हो गया, 17 में 5.3 till that day. What is the message I want to pass on here? Newspaper में जो आता है उसको discount करो. जब भी कोई event होता है, मेरा जो दोस्त है Warren Buffett, I am a very fan of Warren Buffett. He said world is going on X side, I will choose to go on Y side. Number one, he said to me, he said in the public, when Japan attacked America in Tora Tora, Pearl Harbor, he said, I should have bought the shares. Yes, no, everybody? Yes. जब रिलायंस ने अपनी फैक्ट्री जामनगर में डाली थी,
तो पीपल वर सेइंग दैट कराची से कराची से रात को रिफाइनरी दिखती है ओके बट जब धीरूभाई अंबानी ने उधर फैक्ट्री डाली तो उसने पूरा कैलकुलेशन किया था व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ हैविंग दैट अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया क्या हुआ लोग शेयर बेचते थे यूं तुम खरीदो जब पीपल आर इन डिस्ट्रेस यू बाय इट विद अ क्लियर रीजन ओके नेक्स्ट नाउ नाउ आई एम इन टू अभी तक मैंने जो बताया उसमें अभी मैं इस लेवल पे जा रहा हूँ कि ये जो इकोनॉमी है वो 2014 से कहाँ चली गई अभी तक मेरे पास सरप्लस थी वैसा बताया अभी मैं कंजम्पशन स्टोरी में जाता हूँ ये पिक्चर का नाम है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर बॉक्स ओके एवेंजर फॉरेन का मूवी था उसमें कितना बिलियन कमाया 196 करोड़ ईयर व्हाट डज इट शोस अच्छे दिन आए हैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ नरेंद्र मोदी ओके आई एम न्यूट्रल बट अच्छे दिन तो आए ही हैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज दूसरा मूवी है बागी टू How many of you will feel that Baghi 2 is 5% good as compared to Bahubali 2? Bahubali conclave होते हैं ना? Bahubali conclude. Bahubali conclude. इससे Baghi 2 is 5% 10% good, but Baghi 2 made 200 crore. What is the reason? वो जब आया तो 4 दिन की छुट्टी थी. तो घर में कौन बैठेगा Nobody. Only reason this movie has earned money is because of that shows urban consumption has gone up. Next slide please. Bollywood. Q1. ये Q1 का revenue 2015 is 428 crore. अभी क्या है 11,002 crore. 1102 crore. 2.5 times. आप सब लोग पिक्चर देखने जाते हो पिक्चर के टिकट का भाव बढ़ा दोस्त सेम है ऑलमोस्ट सेम 200 का 250 हुआ होगा बट ज्यादा नहीं ओके बट 2.5 टाइम्स नॉट ओके अगर वो भी है तो अच्छा है लोगों की पे करने की ताकत तो हो गई है सो दिस इज द शो द हाउ द इंडिया इज ग्रोइंग आई टेल यू दिस विल ग्रो वेरी फास्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज Domino's Pizza and McDonald's Pizza in March quarter 25% higher than last quarter. So this shows urban अच्छे दिन है हमारे. Next slide please. Maruti का production. Maruti क्या नाम है Belleno. Belleno में 4 महीने का waiting है. 4 months waiting. अच्छे दिन है. Next slide. Aviation sector. हमारा इंदिरा गांधी टर्मिनल दिल्ली हैज क्रॉस्ड हैज बिकम 16 नंबर इन द वर्ल्ड ओके पर हमारे पास प्लेन कितने हैं ओनली 600 हमारे पास जो एयरक्राफ्ट चलाते हैं ओनली 600 जब तक 70 से हमारे पास 371 प्लेन थे ये गवर्नमेंट ने 251 प्लेन नए खरीदे और ये 800 का ऑर्डर प्लेस किया पहली बार जो हमारी जो ट्रेन का जो फर्स्ट क्लास का जो वो है उससे प्लेन में जाने वाले की संख्या बढ़ गई 3 टायर AC 2 टायर AC अच्छे दिन है अच्छे दिन क्यों है इकोनॉमी इज पावरफुल एंड पीपल डोंट वरी एंड आई टेल यू नोबडी कैन स्टॉप दिस कंट्री इवन टुमारो राहुल गांधी भी आ गया ना तो भी ये कंट्री इतना जोर से ही चलने वाला है नेक्स्ट लाइन प्लीज डरो मत ये मैंने बोल दिया पहले हाँ ये क्या है 92,400 वेयर द रूम अवेलेबिलिटी टिल टुडे टिल 31st March समथिंग ये 27,500 26% रूम बने विच इज ये पूरे वर्ल्ड में 1,25,000 पूरे वर्ल्ड के इतने बने बराबर है तो हमारे यहाँ
थ्री स्टार फोर स्टार होटल का रूम बढ़ना इतना जल्दी हो गया है। क्यों? और ये जो है अब हमारे पास आज आज जो रूम है टोटल रूम अवेलेबिलिटी आफ्टर द इंक्रीज शंघाई से कम है, खाली शंघाई सिटी से कम है। हमको चाइना में पहुंचते टाइम कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे चमकेगा इंडिया जरूर चमकेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट टाइम भी टूरिज्म कैन एनीबॉडी बिलीव इन 2015 इन 2012 17 करोड़ इसका सीधा 10 करोड़ 10 बिलियन डॉलर था, ये बिलियन में है, ये डॉलर में है 17 टू 27 बिलियन डॉलर इज अ ह्यूज ह्यूज ग्रोथ। सो एंड 1 करोड़ पीपल हैव कम टू इंडिया लास्ट ईयर एंड हाउ मच मनी दे हैव स्पेंड ये इधर ही अमाउंट है 27.6 billion people have spent. Tourism industry has grown fast. Okay. Foreign arrival, tourists allow is more than 1 crore and cross 27 crore. हमारे यहाँ भी लोग बहुत जाते हैं foreign India. Okay. Next slide please. Rural is good. अभी तक हमने urban की बात. Hindustan liver 85% of their product is sold in rural area. Iska profit 27% grow hua, which is at 1,326 crore. So rural economy has also started growing. Delhi mein Escort, jitna bhi tractor production hai, done good. All tractor company. Tractor kaun khareedta hai? Only farmer on rural area only. ये जो सोनालिका एक कंपनी है विच इज नॉन लिस्टेड कंपनी इन दिल्ली, दे हैव सोल्ड डबल द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट अराउंड 1 lakh. सो दिस इज रूरल इज ऑल्सो गोइंग। नेक्स्ट ट्रैवल टाइम आई ऑलरेडी कवर्ड। बीमारू स्टेट, ये जो बीमारू स्टेट किसको बोलता है? यूपी एंड बिहार, यूपी बिहार, उसमें भी जो आंकड़े आ रहे हैं मैं यहाँ पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सी फूड, सी फूड एक्सपोर्ट, अंटिल लास्ट 19 इयर्स वी सोल 1,72,538 सी फूड्स, दिस ईयर दिस वन दिस थ्री ईयर वी सोल 1,01,000 सी फूड। जो ये लोग जो बिजनेस करते हैं उन्होंने जो कमाया तुम सोच नहीं सकता। मेरे कितने क्लाइंट हैं जो सिंपल सिंपल बिजनेस करते हैं बट दे अर्न मोर देन नॉर्मल इंटेलिजेंट शार्प सुपर एमडी ऑल्सो। सिंपल बिजनेस करते हैं छोटे छोटे 10-15 करोड़ आदमी को लेके, दे अर्न मोर देन इवन जो एमडी का जो पहले पगार मिलता है, जो एमडी सुपर एमडी, सुपर एमडी मीन सुपर इंटेलिजेंट, उसके पगार से ये लोग ज़्यादा कमाते हैं। तो ये सिंपल बात है, विच शोज दैट इंडियन इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट लाइक लीज। एनडीए टू कैरीज, हाँ अब टिल टुडे ये एक बहुत ही बढ़िया फिगर है। एनएचआई हमारे पास प्री 2014 में 91,286 किलोमीटर के रोड थे, अभी ये लोगों ने 27,100 किलोमीटर के रोड बना दिए और 34,300 के रोड का प्रोडक्शन का ऑर्डर दे दिया। एक कहानी, एक नरेंद्र मोदी साहब जब भी इलेक्शन में जाते थे पालनपुर में बोलते थे ये जो पटाखा है 1 रुपये का है मैं बेचूंगा, कितने में? इस तरह ये रोड बने। मुझे एक कहानी याद है जो मेरे को किसी ने बताई थी 7 साल पहले। नागपुर के संतरे बहुत फेमस थे, ओके, तो somebody has decided to have a pilot project. He made a pilot project, started working on it. नागपुर से ये संतरे कहाँ जाते हैं? बॉम्बे, JNLT, उसका जो पोर्ट है, JNPT. मैं थोड़ा मेरा जनरल नॉलेज का है, तो या आई गॉट, हाँ तो वो यहाँ से
नागपुर से यहाँ जाते हुए उन्होंने 7 दिन लगाया और बीच में कितने लोगों ने ऑक्टर के लिए रोका, कितने वेट के लिए रोका, बोले इसमें क्या है देखो, बिकॉज ऑफ दैट दैट प्रोजेक्ट हैज नॉट कम आउट. अगर ये ट्रॉपिकाना ज्यूस बनता तो फार्मर की रेवेन्यू कितनी बढ़ती, बट नाउ विद द एडवेंट ऑफ दिस मेनी रोड्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स. मेरा एक क्लाइंट है, आई मस्ट शेयर विथ यू, इज इन अरविंद मिल कंपनी. उनका एक डिवीजन है विच इज अर्निंग मोर मनी इन एन इंजीनियरिंग सेक्टर देन होल अरविंद मिल और इंजीनियरिंग डिवीजन. बोले तुम माल किसको बेचते हो? बोले हम चाइना को बेचते हैं, यूएसए को बेचते हैं एंड यूए में बेचते हैं. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अहमदाबाद बेस्ड अरविंद मिल कंपनी इज सेलिंग इज प्रोडक्ट एंड इज इनकम, ईयरली इनकम इज मोर देन होल अरविंद ग्रुप इंजीनियरिंग डिवीजन. इन दिस इज बिकॉज माई फ्रेंड इज वर्किंग देयर, सो आई नो इट. So somebody come and tell me that we cannot beat China, I see no reason that we cannot beat China. Next slide please. Time lagega, but itna bhi dur nahi hai. If in Gujarat, mera ek client hai, I'll share with you. Mera ek client hai, mera wo ek mandir ka swami ji the, barabar hai, mere paas aaye. 2 साल में इन्होंने पूरा एक मंदिर नया खड़ा कर दिया, पूरी जगह को उन्होंने चेंज कर दिया. डज इट एनी वे रिफ्लेक्ट जीडीपी? नो, बट इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस आई एवर सीन इन माय इन 2 ईयर एंड आई हैव सीन नॉट वन केस, मेनी केसेस लाइक दिस विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीडीपी एंड ग्रोन बियॉन्ड इमेजिनेशन. ओनली थिंग फ्रेम ऑफ माइंड, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से सब कचरा निकाल दो और मैं सबको जो 60 ऐसे ऊपर है ना इसको तो खास बोलता हूँ तुम्हारी हमको बहुत जरूरत है, कम एंड ज्वाइन एनी वे बिकॉज वी नीड यू. ये हमारा ये हो गया रेलवे, ये रेलवे का ये क्या है रेलवे और ये इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवे. हाउ स्पीडी दिस गवर्नमेंट इज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. वो जीते नहीं जीते मुझे कोई पता. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. ये जो है कैन एनीबडी, यहाँ 2635 मेगावाट, ओके 8.6 टाइम इन द पीरियड ऑफ दिस मच न्यू कैपेसिटी इज जनरेटेड. अगर यही रेट पे चले गए तो कुवैत वाले को हम जाके बताना पड़ेगा ऑयल, सऊदी वाले को, अगर तुम 20 साल बाद में ऑयल नहीं दोगे हमारे ऑयल की जरूरत नहीं है. दे वुड कम एंड सेल ऑयल एट अ डिस्काउंट राइट नाउ. दिस इज द प्रोडक्शन. कैन समबडी बिलीव? शुड आई रीड इट? इंडिया FI is expected to add 3.6 times solar capacity, which had added in 1947 to 2014. Solar ki capacity quite different hai. Next, ye maine aaj hi download kiya. 26 May 2014 mein hamari capacity thi 2650. Today is 30th June 2018. 20 GB. 26 May. How many times? 8.5 times. Where it will go? Paisa kahan jayega? ये इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोड्यूस करेगी? मैनी थिंग यह गवर्नमेंट अगर 5 साल टिक गई ना तो खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट. अवेलेबिलिटी ऑफ एक्चुअल पावर. हमारे पास जो पावर सेक्टर था गुजरात में, पावर की जब नरेंद्र मोदी साहब आए थे तो पावर का क्या था? आई हर्ड हिम इन द फर्स्ट लेक्चर व्हेन ही वन द इलेक्शन एंड कम एंड ही सेड मी आई एम गोइंग टू डू दिस. हमारे इंस्टीट्यूट में आए थे, ही सेड मैं ये करूंगा. And I said that I have declared in my office. Okay? ये presentation मैंने बनाया 10 दिन मैंने office में काम ही नहीं किया, hardly 6 to 7 hours. वो तुम थे, तुम्हारे साथ client के साथ बात भी नहीं किया कि इसमें 3-4 लोग मेरे client में बात ही नहीं करने, खाली paper पे कर क्यों कर सका मैं? Because India में मैन पावर इंटेलिजेंट की भी कमी नहीं है. किसकी कमी है? लीडरशिप, जो ओनर ओनर कर सके. तुम तुम्हारे यंगर को अवॉर्ड करो एंड दे वुड गिव यू अ रिजल्ट, मैग्निफिसेंट रिजल्ट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जीएसटी आई एम नॉट कवरिंग. 1 lakh crore आता है. बफेट साहब ये बोलते हैं मार्केट कैप
टू जीडीपी. क्या हुआ? शेयर मार्केट किस पे डिपेंड करता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो. आज कहाँ है? सिर्फ जीरो. अगर ये यहाँ से ऊपर गया तो शेयर भाव बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा, ये रेशियो भी बढ़ेगा और जीडीपी भी बढ़ेगा, तो मार्केट कैपिटल बढ़ेगा. अब किसी को डाउट है शेयर लेने में? कोई डाउट नहीं है, शेयर खरीदो, नो इश्यू. कौन से शेयर खरीदो वो भी मैं बताऊंगा, आई विल गाइड यू. और म्यूचुअल फंड में बगैर सोचे खरीदो, उसका भी पूरा वो है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये तुम्हारा आ गया म्यूचुअल फंड. पहले एफ आई आई कौन से? 15, 16, 17, 18. ये अच्छे दिन नहीं है तो क्या है? ये अच्छे दिन नहीं लगते? हाँ, नरेंद्र मोदी के नहीं, अपने तो है. उनको तो सर वो राहुल गांधी बैंड बजाता है. नेक्स्ट. नो नो सर प्लीज. हाँ, ये एक और प्रॉफिटेबिलिटी टू ए जी डी पी. ये क्या रेशियो है किसी को पता है? हमारा जो कॉर्पोरेट का प्रॉफिट है और जी डी पी रेशियो है, टूडे इट इज वन ऑफ द लोएस्ट, 3%. वाई इट इज लोएस्ट? कैन समबडी शेयर विथ मी? कैन एनीबडी शेयर विथ मी? पार्डन? फाइनेंस कॉस्ट, देन द टाइम टेकिंग, टाइम टेकन टू डूइंग द बिजनेस, टू यू नो टर्न अराउंड टाइम इज टू हाई इन इंडिया. I am planning a power project in, let's say, China. It will take probably 1 year to acquire land. Here it will take around 5 years. Why our profitability low is because of one reason. One reason is interest cost is high. And the crude is. And the second thing is our salary to GDP is today around 11%, which was around 8%. So every employee nowadays very generous because of two reasons. They are no businessman is generous, I tell you. No businessman is generous. They are very, 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 kya bolte, cunning to nahi bolte, but very shrewd. Very methodical. No miser. They are very methodical. They are not miser. Another thing is, earlier the industries were more capital intensive. Now the industries are like more, let's say, pharmaceuticals or software, which are obviously talent driven, research driven. Capital intensive, you need more person to align with the government. And these are the reasons which a lot of competition is more. But our cost is too high nowadays. जैसे cost, हमारा दूसरा क्या होता है? जैसे अभी क्या हुआ? Banking sector is so weak, so nobody is going for an investment. आज जो हमारा एक क्लाइंट है बहुत ही अच्छा धंधा करता है, वो फिर भी इन्वेस्टमेंट के लोन में बहुत कमाते हैं. अगर जिस दिन बैंक चल पड़ी, ये आदमी तो मेरी ऑफिस में फरारी लेके ही आएगा. हाँ या ना? तो ये जो है कैपिटल जो इंट्रोडक्शन है वो भी हुआ नहीं होगा. और बहुत लोग ये पूरा इन्होंने समुद्र मंथन कर दिया, इन्होंने पूरा जड मुर्जे निकाल, उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बता दी. मैं इनकम टैक्स में 5 साल पहले जाता था, आज मुझे पूरा नया डिपार्टमेंट लगता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. छोड़ो. हाँ, व्हाई व्हाई इंडिया इज डिफिकल्ट टू रन इज द डाइवर्सिटी विथ विच वी लिव. मोदी साहब है ये, कोई भी है. अमेरिका इज ड्रिवन वेरी सेफली बिकॉज ऑफ टू रीजन. उनको अगर तुम कभी भी वो कंट्री में जाओ ना, तो आपको लोन इतनी देंगे कि आपको सुबह से शाम सपने में भी लोन ही आएगी. क्या आएगी? तो बिकॉज ऑफ दैट योर द पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, वेदर ही इज रनिंग ए मॉल, क्या बोलते हैं मॉल, क्या चलाते हैं वो, होटल, पेट्रोल पम्प, गेस्ट हाउस, कुछ भी चलाते हैं. दे हैव ओनली वन गोल इन देयर लाइफ, किसी भी तरह हफ्ता भरो, शाम को हफ्ता भरो, उसकी वाइफ के साथ डाइवर्स हुआ हफ्ता भरो, क्रेडिट कार्ड, उनका पूरा लाइफ, वेदर वुमन एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों इतना डेंजरस है. वो लोग
हमारे यहाँ मेहरबान है थोड़ा भगवान ओके. तीसरा चाइना, चाइना इज अ डिक्टेटरशिप कंट्री एंड आवर कंट्री एंड आई टेल यू दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज विच आई एम गोइंग टू थिंक इन माय. अगर हम हमारे एम्प्लॉय को बोल दे तुम गूगल में सर्च करके ये काम करके ले आ, आई टेल यू इन माई स्टाफ व्हेन आई से दैट डू दिस दे विल नेवर कम बैक टू मी बट दे विल फिनिश द जॉब एट वर्क विच मैनी सी ए कैनॉट डू बट आई हैव टोल्ड देम व्हेन यू डोंट नो ओके ask the consultant which we have it in our office. ये जो जो methodical काम नहीं करने का तरीका है ना उसका advantage भी बहुत है. आज country को ये advantage मिलेगा. क्या मिलेगा? Indiscipline road पे भी indiscipline, हर जगह पे indiscipline. But that would be the most powerful drive in our life. अगर मैं indiscipline की बात करता हूँ तो एक चीज और बता दूँ. पहले हम कहीं भी गाड़ी पार्क कर देते, आज कोई करता है? तो इनडिसिप्लिन इज नॉट इन अवर ब्लड, इट्स इन अवर इट्स अवर नीड. अगर एक बार नीड आ जाएगी सब चला. तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये गोवा है इज इक्वल टू इथियोपिया, और ये जो यूपी है उसका पॉपुलेशन इज मोर देन ब्राज़ील. नेक्स्ट अगर मैं प्रीवियस है, यूपी का जो पर कैपिटल इनकम है इज पुअरर देन रवांडा, poorer than Nepal. गोरखा से हमारे पर कैपिटल इनकम कम है एंड वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट इज दिल्ली, वन ऑफ द रिचेस्ट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कैपेक्स, मैंने बोला ना कैपेक्स, कैपेक्स बहुत लो है. नाउ इट विल इट नीड्स टू स्टार्ट, इट विल स्टार्ट एंड इट विल स्टार्ट विद सो ईज कि अब सारा डिमांड ड्रिवन होगा. पहले एक्सपेक्टेड ड्रिवन होगा, अभी डिमांड ड्रिवन. इतनी डिमांड है जैसे ही करेगा ठाक ठाक देगा. नेक्स्ट, अभी शेयर मार्केट में थोड़ा इश्यू है क्योंकि सप्लाई शेयर मार्केट का बहुत बढ़ गया है. देयर आर मेनी मेनी पीपल कमिंग टू शेयर मार्केट विद लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स. इवन काफ़ी कंपनी का ना आपने IPO देखा है बिकॉज ऑफ दिस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये इंटरेस्ट रेट है अभी इज हायर. इंटरेस्ट रेट को किस तरह से देखा जाता है मालूम है? रियल रेट, इन्फ्लेशन रेट. इन्फ्लेशन रेट से हम 3% ऊपर जा रहे हैं. बहुत ही गवर्नमेंट किसी भी तरह उसको इलेक्शन जीतना है भले इकोनॉमी का थोड़े ट्रेंड बनता बैठ जाए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये BSE का जो है वो ये दिखाता है कि वी आर स्टिल रन बाय FIIs इन दिस पीपल व्हिच वी डोंट वांट टू गो अहेड. मैंने एक चीज मेरी रह गई जो साउथ कोरिया वाला रह गया बीच में, वो ऊपर है कि कैन यू गो देयर? ओके, इन 1948 हमारे साथ कोरिया भी आजाद हुआ. कोरिया वॉज अंडर द कोलिशन, मतलब जैसे हमारी कॉलोनियल था UK, उनका कॉलोनियल जापान एंड चाइना था एंड हमारे जैसे पार्टीशन हुआ उनका भी पार्टीशन हुआ. हमारे यहाँ GRD टाटा, कस्तूरबा लाल भाई एंड बिरला, दे गोन टू गवर्नमेंट एंड प्रपोज दैट यू टेक दिस मच स्टेप एंड वी विल टेक अ कंट्री टू अ डिफरेंट लेवल. ओके, वट अवर गवर्नमेंट डज, अवर गवर्नमेंट ने बोला MRTP लाया किसी भी तरह 97% टैक्स ऑन जो भी कमा है. इन्होंने वेल्थ टैक्स लगाया, एस्टेट ड्यूटी लगाया, ये लोगों को पकड़ पकड़ के इतना परेशान कर दिया दे कैनॉट डू बिजनेस. MRTP एक्ट, लाइसेंस लो, ये लो. साउथ कोरिया ने क्या किया? ओपन दे. एंड टुडे हम जब हम आजाद हुए थे हमारे से 1/4 इकोनॉमी थी. टुडे देयर इनकम पर कैपिटल इनकम इज 27,000. इनका जो बड़े बड़े कंपनी में सैमसंग, हुंडई, हनवा, SK होल्डिंग, ये बड़ी बड़ी टॉप 10 कंपनी है साउथ कोरिया का नाम है. नेक्स्ट, ये साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग. इसका पर कैपिटल, इसका जो हैसेल्स है 225 मिलियन डॉलर. इसका प्रॉफिट इतना है, इसका पूरा रेवेन्यू जो है कैपेक्स इज 326 बिलियन डॉलर. वाई? और इसका CEO कहाँ है किसी को पता है?
हमारे जो कंट्री ने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। आज एक ही कंडीशन में हम हारेंगे, हम जीत नहीं पाएंगे, उसका एक ही रीजन हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ रीजन क्या है। स्टीव वॉग वॉज अ कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ही केम टू इंडिया इन 2000 something year. He come and decided that we would make India different. He declared, and he could not win in India. 37 years they cannot beat India. Next year again, पहली मैच क्रिकेट आ, वो लोग जीत गए। दूसरी मद्रास में रेन हुआ, तीसरी नागपुर में। सौरव गांगुली वॉज कैप्टन, हरभजन सिंह वॉज द बॉलर, एंड हरभजन स्टीव वॉज द कैप्टन, ग्लेन मैकग्रा एंड गैलेक्सी वॉज देयर मेन बॉलर। ओके, नागपुर में जैसे ये लोग स्टीव वॉ और सौरव गांगुली पूरा मैच का जो पिच देखने गए, पिच वॉज पूरी ग्रीन लाश। इसने जाके पिच को बुलाया, ये घास रिमूव कर दे नहीं तो तेरे बैंड बजा दूंगा। उसने बोला मैं नहीं करूँगा। क्या बोला? नहीं करूँगा। इसने बोला मैं ये मैच भी नहीं करूँगा। ही एंड हरभजन डिड नॉट प्ले एंड वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ सुप्रीमसी ऑफ गैलेक्सी एंड मैकग्रा। नेक्स्ट मैच दे बोथ केम बैक मुंबई एंड वी वॉन। हरभजन टुक 6 विकेट एट अ स्ट्रेच, वी वॉन बाई 13 रन्स। What do you mean by this selection? अगर हम इंडिया के खुद लोग गोल नहीं करेंगे, सेल्फ गोल बोलते हैं ना, अगर हम खुद को नहीं मारेंगे तो हमको कोई जीतने से नहीं बचा पाएगा। दिस इज साउथ कोरिया एंड चाइना गेम, हमको हराने के खुद की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एवरीबडी गॉट इट? हमको, और मैं बोलता हूँ मैं कंट्री की बात ही नहीं करता हूँ, तुम खुद की जो भी गेम खेलो वो इतनी परफेक्ट खेलोगे तुमको भी हारोगे, फिर देश अपने आप को देखो। कभी रोना आ जाता है, जाट आस्किंग फॉर रिजर्वेशन, मराठा पटेल। अगर नरेंद्र मोदी साहब गुजरात में हारे, ओनली वन रीजन, पटेल आस्किंग फॉर रिजर्वेशन, बट व्हाई, व्हाट फॉर? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सेल्फ गोल के लिए बुलेट ट्रेन, ये बुलेट ट्रेन नरेंद्र मोदी साहब लेके आए। दिस विल टेक यू टू डिफरेंट टेक्नोलॉजी, ही इज ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी, ही ब्रिंग्स मनी, इंटरेस्ट 0.01%, मॉनिटर फॉर 15 इयर्स, 35 इयर्स रीपेमेंट, एफटीए 35 करोड़, इंडिया चेंजिंग द प्रोडक्टिविटी। और लोग एक ब्रिज कॉलेप्स हो जाता है, और ब्रिज कॉलेप्स हो जाता है बोलेंगे ये बुलेट ट्रेन क्यों बना दो, ब्रिज क्यों बना, ब्रिज के लिए कोई थोड़ी लोन देगा तेरे को, तुम इतने साल से चलाते हो। नेक्स्ट लाइक प्लीज। The poor Indians watching is क्या बोलते हैं NDTV, CTV देखो, NDTV को बंद कर। Cost 1.1, 81% loan, 19% by state and government, 20% component supplier, most of the life constructed, the decision to construct is elevated। And अगर एक बार चेंज आ गई, अमेरिका चाइना ने क्या किया, अमेरिका वाले सबको बुलाया हमारे यहाँ प्रोडक्शन करो, 5 साल प्रोडक्शन करते सब जान गए अब मैं ही करूँगा, है क्या? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे नेक्स्ट, एक बार बना दो ना, और हम दूसरे देश में जाके बुलेट ट्रेन बनाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो, ले जा थोड़ा पैसा, एक बार हमने बना दिया फिर हमको आ जाएगा। इज इट नॉट द सेम थिंग वी डू इन आवर पर्सनल लाइफ? पहला काम हम किसी और से करवाते हैं, आई डू इट इन माई लाइफ, नेक्स्ट टाइम आई वुड डू इट इन माई ओन। खाली फेंको का ऑपरेशन हम नहीं कर सकते सर। हाउ मेनी, या दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मत पढ़ना ये मैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट फुल्ली? हाउ मेनी रेज दैट फुल्ली? ओके, वन टू फुल्ली मीन्स टू योर सेटिस्फेक्शन कि मैंने ये शेयर में जितना लगाना चाहिए इतना लगाया, कम नहीं ज्यादा। ओके, वन टू थ्री, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स, ओके, because most of the time we don't invest in share market because humko lagta hai market expensive hai, humko lagta hai market upar niche ho raha hai, humko lagta hai ek correction niche jayega, we never take a judicial decision, okay,
मैं आपको तीन प्रकार के शेयर मार्केट होते हैं, तीन प्रकार के आदमी होते हैं, वो तीनों का एग्जांपल लेके किसमें क्या करना है वो दिखाऊंगा। देन आई विल गिव यू अ टिप हाउ टू बाय, एंड अगर आप मूर्ख हो तो क्या बाय करना वो भी मैं दिखाऊंगा, राइट? जिसको जाना है जाए, क्योंकि मेरा मैं टाइम देख के नहीं चलता हूँ, मैं जितना फास्ट हो जाकर चलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल स्लाइड व्हिच आई एवर सीन इन माय लाइफ। कृष्ण गो टू दुर्योधन, दुर्योधन को बोला पांच गांव दे दे। ये क्यों? एंड इट इज द प्रिविलेज ऑफ Pandava to have 5 villages. Why you don't want to give it? He said, Janami dharmam nachme pravritti. Janami dharmam nachme pravritti. Janamya dharmam nachme nivritti. Okay? I know, I don't know. But let me try and learn something. And what he says, what does he mean to say that? I know what is right, but I am not able to practice it. What can I do? मैं नहीं, मुझे पता है सही क्या है गलत क्या है, but मैं practice नहीं कर पाता। दूसरा एक proverb है, which is a Japanese proverb. You cannot get a tiger's cup until you enter the tiger's cave. अगर आपको tiger का cup चाहिए तो tiger के cave में जाना ही पड़ेगा। तो अगर आपको share market में कुछ कमाना है, योर फाइनेंशियल फियर डज नॉट अलाउ यू टू हैव अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ फाइनेंस, इक्विटी, फिक्स रिटर्न स्कीम, आईपी इन्वेस्टमेंट इन नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, आपको डर इतना लगता है कि कोशिश ही नहीं करते हो शेयर मार्केट क्या है। मैं बताता हूँ, शेयर मार्केट इज वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। देन आता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में है क्या? फिक्स डिपॉजिट में तीन ही तो चीजें, चलो शेयर मार्केट को बहुत लंबी बात है। मुझे पता है कि जितना पैसा लोगों ने शेयर मार्केट में नहीं कमाया ना, इतना पैसा एफडी में कमाया गारंटीड अटेल, और जितना पैसा इधर नहीं कमाया लोगों ने जाके, आई टेल यू, आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन हु सोल्ड हिज वन प्रॉपर्टी एंड सोल्ड इट एंड पुट इट इन अदर प्रॉपर्टी। आई नो दैट जिस ब्रोकर ने वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए दिया, उसको ये पैसा किसी और पे लगा, उसको बेचने का कमीशन मिलेगा और खरीदने का भी कमीशन मिलेगा। उसको ये प्रॉपर्टी अगर 5 साल अच्छी होती तो उसका भाव डबल हो जाता है, यहाँ ये पैसा भी नहीं। ओनली थिंग हु डिड इट, इसका कृष्ण कोई और था, और इसका टाइगर ऑफ फियर। अभी मैं आपको, इसका कृष्ण कौन है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कंसल्टर, ओके, हु इज कौरव एंड पांडव, योर सेल्फ, यू बिकम पांडव एंड कौरव ऑफ योर, यू सी एंड आस्क हिम व्हाट इज रॉन्ग। हमारे यहाँ लोगों को पैसा आता है, किसके पास जाते हैं? जो अपने घर पे आते हैं उसके पास जाके चेक कर देते हैं, और पूछता भी नहीं है क्या है। वो खाली मीठी मीठी बातें करेगा, चाय पिलाएगा, कुछ उनका क्या बोल साक ले आएगा, मार्केट ले आएगा, कुछ भी। आई एम स्वेरी दोज कम टू योर प्लेस वुड इन्वेस्ट देयर। टाइगर्स का फियर ऑफ एंटरिंग द कैप, व्हाट डू मीन बाय फियर ऑफ एंटरिंग द कैप? मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, ही टोल्ड मी कि मैं तुमको 12% गारंटीड रिटर्न देता हूँ। मैं बोला तुम करते क्या हो? बोले मेरा एक फ्रेंड है, वो रिलायंस खरीदता है, ठीक है, बोले रिलायंस 100 रुपये में खरीदता है, वो दूसरे दिन एफ में जाकर रिलायंस बेच देता है, वो जो डिफरेंस है उसमें से मुझे 12% मिलता है। मैं बोला ये डिफरेंस जो बेचते हैं वो कैसे बेचते हैं? बोले उसके लिए एक बेटा बेटा रखी करता है, बेटा बेटा मालूम है ना, अल्फा बेटा इज अ प्रोडक्ट बाई विच डिसाइड। मैं बोला वो बेटा कैसे कैलकुलेट करता है? तो ये जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट आते हैं ना, वो बेटा नहीं करते, अल्फा बेटा, वो उनको भी नहीं पता। एंड ही लॉस्ट मनी आफ्टर 10 years, एंड ही वॉज नॉट समबडी विद अ चीट एंड चीटिंग हिम एंड टेकन द मनी। इट इज कॉल्ड नॉट नोइंग द टाइगर्स। सो व्हेन यू विल ट्राई टू एंटर दिस, अगर हम कौरव पांडव की बात करें तो कौरव वेयर द किंग, पांडव वेयर इन अज्ञातवास, देयर स्ट्रेंथ मैन पावर स्ट्रेंथ इज 1.8 times, एंड देयर क्वालिफाइड इंटेलिजेंट एंड शार्प मैन पावर वॉज विद देम। उनके पास 2-3 ही योद्धा थे पांडवों के पास, बट स्टिल देयर वन
अगर किसी ने बेट लगाया तो 1:5 था और पंडवा में बेट लगाने वाला तो 5 रुपये मिलता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अभी ये मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त है, मैं इसके बाद में सुबह शाम उठते जागते मैं वॉरेन बफेट का ही सोचता हूँ। और वॉरेन बफेट इससे नहीं बना क्योंकि वो वॉरेन बफेट है, उसकी सिस्टम, उसकी जहन, उसके लाइफ में मनी वॉज एवरीथिंग। Somebody comes and tell me why he talks about it. He is the only person who has generous, क्या बोलते हैं, lavishly. इसके जैसा दानवीर भी कोई नहीं है, बट हम लोग पैसा कमाना और दानवीर को एक साथ में लगा देते हैं, ओके? हमारे यहाँ जो पैसा की बात करते हैं उसको अधर्म माना जाता है। आई से नो। इसकी एज क्या है? 88. मैं इसका तीन चीज मैं उसके बारे में बता देता हूँ। नंबर वन, जब वो छोटा बच्चा था, अराउंड 14 ईयर्स, ही सेड आई गोइंग फाइंड द रिटर्न, मैं रिटर्न फाइल करेगा। टुडे 88, ये अपने कॉलेज में ये बात करता है, मैं अपना फाइल रिटर्न करवाने गया था, मेरे टैक्समैन को बोला ये मेरी साइकिल है उसको बिजनेस एक्सपेंस में डाल दो। बोले नहीं डालेगा, बोले ये पर्सनल एक्सपेंस है। बोले तुम गाड़ी पे घूमते हो? बोले नहीं, मैं साइकिल में वो न्यूज़पेपर की डिलीवरी डालता हूँ, वो मेरा वो है, वो मैं करता हूँ। क्या बोलते हैं उसका, वो छोटा था ना, तब से ही वॉज नॉट बाइंग द बेस्ट, ही वॉज बाइंग द अप्रोप्रिएट। वो कोई गेम था, वो बार्बर के वहाँ जाके वो कुछ गेम्स खरीदता था, उसको रिपेयर करके बेचता था। उसका पैसे का उसका वैल्यू था दिमाग में। नंबर वन। नंबर टू, व्हेन ही स्टार्टेड बाइंग द शेयर, He said, I never buy a share. I buy a business in share. वो पहले जाके product कौन से वो सोचता था, क्या सोचता था, business क्या है। वो एक बार इसने बताया कि Bill Gates ने उसको इसकी factory में ले गया। Bill Gates उसके जो उधर दिखा, एक दिन पूरे दिन Bill Gates ने घुमाया। Bill Gates को लगा कि ये दूसरे दिन चेक आ जाएगा, उसका 50 जो या 100 जो मिनिमम है जिसकी बैलेंस शीट है उतना ही शेयर उसने खरीदा। He said, why you did not buy the shares? He said that I never see 50 years down the line the product which MS Office is selling would be there in the world. उसने जो भी शेयर खरीदे, आज 50 साल देखो, 100 साल बोले, बोले मैं जो शेयर खरीदता हूँ, जो उसकी जो प्रोडक्ट देखता हूँ, वो कितनी माहिर। This is how we buy it. And मैं बोलता हूँ उसके पास कंप्यूटर नहीं है, इसके पास सैमसंग का या किसी का एकदम छोटा सा मोबाइल है, फीचर फोन, ओके, ही इज यूजिंग वेरी वेरी मिनिमल थिंग, ही लिव्स इन अ सिंपल हाउस। बट एंड डू यू थिंक हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ फास्टर स्पीड देन व्हाट ही रीड्स? एवरीबॉडी इन दिस 88 में क्या कैसे पढ़ता होगा, बट वो बोलते हैं मुझे 5000 पेज नहीं पढ़ना है, मुझे 500 पेज ही पढ़ना है, जो 500 पेज से मैं जो प्रोडक्ट निकालूंगा वो डिफरेंट। वो बोलते हैं तुम्हें शेयर मार्केट में हर शेयर के बारे में समझने की जरूरत नहीं है, जो शेयर तुम्हें पता चले वो पढ़ो, पहले सेलेक्ट करो, उसमें डीप जाओ और फिर इन्वेस्ट करो। एवरीबॉडी विद मी? यू डोंट नीड टू बी इंटेलिजेंट, यू डोंट नीड टू बी स्मार्ट, यू नीड टू बी वेरी वेरी सिंपल। मुझे इतना ही, मैं गधा हूँ, मुझे इतना ही समझ में आता है, ये मैं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ही इज इन्वेस्टेड। एक मैं थोड़ा टीचर ले लेता हूँ क्योंकि मेरा टाइम भी कम है, इसलिए मैं अराउंड 7:48, ओके। प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू यू गॉट इट। कैन समबडी टेल मी द एग्जांपल? प्राइस यू पे एंड वैल्यू यू गॉट इट। आई गिव यू एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल। मैंने ये ऑफिस खरीदा, एक्स इज माई प्राइस, व्हाट आई गेट इज द वैल्यू, वैल्यू आई एम एबल टू जनरेट। मैं एक शेयर खरीदता हूँ 40 रुपये, ओके, बट ही एज्यूम दैट प्राइस इज वर्थ ही 60, ओके, एंड अगर ये 40 का भाव 30 हो जाए तो इसको फायदा जाएगा नुकसान जाएगा? फायदा होगा, वो दूसरा खरीद लेगा। तुमको जो चीज़ पक्का है पता ही है कि ये 40 से 30 है, दूसरा खरीदेगा। तो इट्स गुड, तो प्राइस यू पे वैल्यू यू गॉट। ये मेरे को आधा पता चलता है, आधा नहीं पता चलता, फिर भी मैं सुन लेता हूँ। मैंने कम से कम 50 बार पढ़ा, 50 बार मैं बोल देता हूँ, बट लेट मी रीड इट अगेन एंड लेट मी कन्वर्ट इट। वी सिंपली बी फियरफुल व्हेन यू अदर्स आर रीडिंग,
and to be greedy only when others are fearful. Okay? It's very simple example. मैंने देखा कि अभी अर्थक्वेक आया है, ओके, एंड अर्थक्वेक आया था तो मालूम है जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग था उसका शेयर बहुत गड़ गया, तो पीपल आर फियरफुल, यू बिकम ग्रीडी. यस नो, एंड व्हेन अदर्स आर ग्रीडी यू डोंट नीड टू फियर. ओके, ही इज ग्रीडी, आई एम नॉट. ये मैंने इंटरप्रेट किया, कोई और भी कर सकता है, आई डोंट माइंड. बट रूल नंबर वन, नेवर लूज मनी. सो अंटिल यू आर वेरी श्योर, ही सेज इन हिज लेक्चर एंड आई ऑल्सो से दैट देयर वुड बी इन योर लाइफ ओनली 10 पंचेस. इस बोले 10 पंचेस मतलब मालूम है, अगर मैंने डिसाइड किया कि ये परफेक्ट है, मैंने एक आदमी को एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा समझाया, बोले साहब, मैं बोला तू पूरा काम ही, बोले 100%, बोला 1000 टाइम, बोला हाँ. मैं बोला ये भुस्का लगाने के काबिल है, बोले हाँ, चलो ठीक है, तो पैसा लगा दे. तो उसने एक लाख रुपया लगा दिया. मैं बोला तेरे पास 10 करोड़ पड़ा है, 1 लाख में क्या करना है? इसको क्या बोलते हैं? ये बिकम फियरफुल व्हेन ही वाज श्योर दैट ही इज गोइंग टू गेट मनी. सो पंच लगाओ तो कैसे लगाओ? ठाक करके लगाओ. क्लियर? यस नो, नॉट ऑल, बट एटलीस्ट योर परसेंटेज वाइज. Don't be worried. हम और फिर क्या होता है, why we lose money? इसका one of the reason is like when you have a right punch available, you don't go for it, then you have to find another punch. तो आपको बहुत सारे punch नहीं मिलेंगे. जब भी chance मिले punch लगाओ. Risk comes from not knowing what you are doing. Risk comes from not knowing what you are doing. मैं एक example मैंने बताया था. एक आदमी ने मुझे बताया कि ये बाय करता है, सेल करता है, और दूसरा क्या बताता है? वो बेटा. आई वॉज नॉट नोइंग वॉट इज बेटा, दैट इज अ रिस्क. व्हेन आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड स्टिल आई लूज मनी, इज इट अ रिस्क? नो. नेक्स्ट, अभी मैं बाकी नहीं पढ़ता. नेक्स्ट, ओके, दिस इज हाउ मनी ऑफ अस कैन बी परफेक्ट इन कमिंग डेज. How many of us can be a Buffett in coming days? I tell you, मेरे जो देश के IIM IIT है, मेरे देश में जो सुपर MD है, मैं मानता हूँ कि जो MD बनता है, सुपर MD बनता है, उनको डॉक्टर का धंधा करने की कोई जरूरत नहीं होती. Coming to this book, your education is only a, क्या बोलते हैं, sharpening tools. हमारा IAS officer. इंडियन इकोनॉमी आज जो है इतने सालों में, पिछले 5-8 सालों में डबल हो जाएगी. हाउ मेनी ऑफ यू कैन बी परफेक्ट? बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन. मेरे जो दोस्त हैं जो 50-60-65 के रिटायर हो गए, मैं इसको बोलता हूँ फिर से लाइफ चालू करो वॉरेन बफेट को देख के. यू डू नॉट नीड टू नो ऑल, आपको सब कुछ समझ नहीं देगा, आप खाली 5 कंपनी के शेयर समझो. ओके, एंड बाय अ बिजनेस इन शेयर and think that your share market is not going to open for 10 years. And how many of you can be Buffett? I sure, many more, many more, many more, beyond imagination. Now can, but somebody said that where is going to be the share market? 100%. Where this country is growing? 100%. Young people, just never ever go into debt trap. Debt trap, मालूम है? Debt trap मालूम है? Debt trap मालूम है? I tell you my life. Okay? अभी मैं यहाँ ऑफिस बनाया, मेरे पास एक गंदी गाड़ी थी. Okay? I did not buy until I have money. I did not borrow money. If I want to earn money for a productive purpose, I go for it. एक बार मेरा debt trap हो गया, I cannot go out. मेरे पास एक नौकरी करनी पड़ेगी. Yes, no? Yes. I did not buy. People were telling me. मैं कहीं लेक्चर लेने जाता था तो वहाँ तो मुझे बस बन के जाना पड़ेगा, तो मैं टैक्सी लेकर जाता. But I was not having a car until I had my own money. I never gone into debt trap in my life. You borrow money for the purpose of loan, that's okay. Next slide please. मेरी लड़की है अब्रॉड है,
वो मुझे कभी कुछ बोलती है, मैं बोला बेटा तेरे पापा यही है, नेक्स्ट टाइम मुकेश अंबानी के पास देना भी होगा, इस बार तो मैं यही रहूँगा, तो तुम्हारे पास जितनी चादर है इतनी फैलाओ, एक बार चादर से बाहर निकल गए कभी लाइफ में वापस नहीं आ पाऊँ, नेवर एवर गो इनटू दैट। दैट इज व्हाट हु सेज वॉरेन बफेट, ही सेज हिज लाइफ ही डज व्हाट ही डज, व्हाट इज द बेस्ट थिंग इज हिज सिस्टम, हिज थिंकिंग, हिज मेथड, he is not very sharp than us. Okay, next level, Jack Ma. How many of you know love Jack Ma? I love Jack Ma. So powerful person, so loving. I tell you the story of him. Okay, iska public issue aaya tha and is oversubscribed. I love Jack Ma for few reasons. Usko wo bolta hai ki main bahut hi padhai mein anpadh tha. He was not very like IIT. मेरे जैसा भी पढ़ने में नहीं था, डपोल था, उसको कोई जगह पे एडमिशन नहीं मिला, इट डिड नॉट गेट एडमिशन एनी। सो चाइना में एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ये लोग फ्री में करते हैं, आपको फ्री में पढ़ाओ, उसका एक ही कंडीशन होता है 5 years बॉन्ड टू विद नंबर। सो ही गोज टू टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ही पास फ्रॉम देयर, एंड 500 स्टूडेंट होते हैं, उसमें से एक को वो था, उसको सिलेक्ट किया कॉलेज। उसका जो डीन था उसने उसको एक क्वेश्चन पूछा कि वुड यू बी विथ मी फॉर 5 years, एंड ही वाज श्योर ही वाज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर 5 years, एंड ही सेड यस, एंड इसका जो डीन था उसने बोला वुड यू आर यू गिविंग मी गारंटी, ही सेड यस, एंड देन ही वर्क फॉर 5 years। वो जमाने में चाइना में टीचर्स वेयर कंसिडर एज डिम्यून जॉब, जो गंदी गंदी जॉब मिल पा रहे थे तो उसमें वो जाए। उसने क्या किया, व्हाट इट डिड, ही स्टार्टेड ट्रेनिंग द पीपल, द स्टूडेंट्स था, वो खुद पढ़ता था, उसको पढ़ाता था, 5 years ही कंप्लीटेड, एंड ही सेड व्हेन ही कंप्लीटेड द 5 years, ही डिसाइडेड कि मैंने जो इनको पढ़ाया अगर मैं अपने बिजनेस में इम्प्लांट करूँगा और फिर मैं यहाँ पढ़ाऊँगा तो मुझे कैसे मजा आएगा, अरे घड़ी बड़े से, एंड ही डिसाइडेड टू गो टू यूएसए, go to USA, started doing, applying for a job. Internet तो उसको आता नहीं था, वो लिखा एक बार उसने लिखा USA beer, डेटा मिल गया, UK beer, डेटा मिल गया, he read Chinese beer, he did not get a data, it clicks him. He said, मैं यहाँ से जो भी बिजनेस है इकट्ठा करूँगा, एक ऑफिस खोली, आदमी रखा, मैं बिजनेस चाइना में भेजूँगा, 12 hours बिजनेस, वहाँ से प्रोडक्ट यहाँ भेजूँगा, यहाँ से वापस आऊँगा, and he started business, he started called company called Alibaba, okay, and he did all what he did, but he lost the war. Usne sabko $2,500 leke sabko nikal diya, bole jai baba, isne khali jaate jaate bola tum mere Alibaba ka share le lo, but kisi ne Alibaba ka share nahi liya, aur jisne Alibaba ka share liya hota today he doesn't have to work for his 7th generation, itta guarantee tha. Then he go back to his country, started this company called Alibaba. What Alibaba does? Next slide please. Isne, I don't know much about that, but what is Uber doing? Uber kya karta hai? Aggregation. Uber ek business karta hai aur register karta hai, logo ko karta hai aur online isko क्या बोलते हैं आई टी कंपनी बोलते हैं, आई टी कंपनी। हाउ मैनी ऑफ अस इन इंडिया कैन एस्टैब्लिश एन आई टी कंपनी विद नो फियर ऑफ लूजिंग मनी? एवरीबॉडी, कुछ है नहीं। इफ 5 friends ऑफ दिस, आपका यंग जो 5 छोकरे में इकट्ठा होकर कंपनी करो, पर वो हमारा MS ऑफिस वाला माइक्रोसॉफ्ट गेट बोलता था शुरू में, लोग मेरे से पगार मांगते तो वो डरता था ये पगार मांगेगा। This was a word told by Bill Gates. If any of 5 company persons can start a company, they can beat it. What is saying in his world? Canadian Prime Minister going to ask him, ki mera kuch livestock bech do, he sold it. He said today that I can sell, his intention that main pure duniya mein, kahin se kuch bhi order karo, 7 days my person would come and deliver it. Okay? And what is doing? Possible. He said, he talk about the country. Hamare har बोले हमारे 1 crore लोग
चाइनीज गोज आउटसाइड चाइना, बोला हमारा मूविंग कंट्री है, हमारे चाइना के लोग क्या खाते हैं क्या पीते हैं सब की डिटेल, ही सेल्स चाइना, ही सेल्स अलीबाबा. एंड नाउ माय क्वेश्चन टू यू, हाउ मेनी चेक मार्क कैन बी क्रिएटेड बाय इंडियन फाइनेंस. ये बंसल क्या था, एक आईएम कंपनी में आईआईटी क्या 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 था, आईआईटी आईआईटी आईएम अकेला आईआईटी. मैं मेरे मेरे फ्रेंड से मैं जिसका आईआईटी आईएम का मैं 25 लोगों का रिटर्न भरता हूं, पैथेटिक कंडीशन. सो चेक मार्क विल बी देयर, नो डाउट अबाउट इट. मेरा एक दोस्त बैठा है, क्या नाम है, मैकिन. How much earning is this file rated like upon? Can't believe. मैं म्यूचुअल फंड की एक प्रोडक्ट नहीं बेच सकता हूँ, वो बेचता है. मेरे बोलने से कोई शेयर नहीं खरीदता है, पर मुझे शेयर नहीं बेचना है, मेरे लिए वो प्रॉब्लम, ये मेरा पैशन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, मैजिक वंड. मैजिक वंड किसको बोलते हैं, जो चाहिए वो मिल जाए. अभी क्या है, तुम अच्छे शेयर खरीद के रखो. That is called magic. Next. Now I am distributing bidding my friend, few of my friend who daily buys and sells. Who are they? They are Naukri provided to broker. Naukri provided to government ko GST pay karte hai. Main accountant hu. Mere ko bhi Naukri dete hai. Ye sab itne sara 500 rupaye dekhe nahi chota to likhna padega. Kya karte hai ye log? Traders are Naukri provided to. They are, and many of them had made losses more than 1 crore से कम loss वाले, 1 crore से ज़्यादा loss वाले मेरे पास 6 लोग हैं, जिसका return नहीं रहोगा वरना pending. Six people have made more than 1 crore loss in FNO. 1 crore कमाना हराम मुश्किल है, इसके लिए तो तुम्हें FNO ही करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, कैसे तुम गमाओगे. तुम 5 साल पहले देखो, 4 साल पहले देखो, 3 साल, शेयर मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, तो गंवाना है तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी. 46% शेयर डेविएशन. HDFC दीपक पारेख को लोग जब मीटिंग में जाते हैं पैर छूते हैं, साहब आपके शेयर लिया, मेरा बच्चा का शादी हो गई, मेरा बच्चे की पढ़ाई हो गई, बट किसी ने ये ट्रेडिंग करके नहीं कमाया. 46%. नेक्स्ट स्लाइड. नो ट्रेडर हैज गॉन इन द लाइफ. HDFC 1991 नवंबर, हमारे अर्शद भाई बहुत कमाए, वो आज पार्टी को स्पॉन्सर करेंगे, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ HDFC शेयर्स. HDFC जनवरी 1991 31% क्यूमुलेटिव रिटर्न 79334. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. मैं ये अच्छी अच्छी बातें नहीं बोलता हूँ, बिकॉज इट वुड इंड्यूस यू टू अ रॉन्ग डायरेक्शन. किसी ने मारुति ली, ओके, और मारुति के शेयर लिया तो 6 टाइम मारुति बेंज आ जाती यही पैसे में. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. किसी ने फटफटिया, इसको क्या बोलते हैं, रॉयल एनफील्ड, क्या आ जाती, 14 ईयर्स मारुति बेंज आ जाती. तो नेक्स्ट, ये आईटी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, 9.6 10.7 इंफोसिस. अगर कोई आके मुझे बोलता है कि मैंने मेरी कंपनी है जिसने वॉरेन बफेट से या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से या एप्पल से ज़्यादा पैसा कमाया, तो इतना याद रखना कि वो क्या बोलते, लाइक कंपेयरिंग एलिफेंट टू ए रैट. उसकी कंपनी की साइज कितनी बड़ी है और आके बोलते हैं HDFC में मैंने इतना कमा, बट दिस कंपनी इज ऑल्सो ह्यूज, सो यू कैन नॉट कंपेयर. बट नेवर गो एंड लिसन टू एवरीबडी व्हाट दे से. गो बियॉन्ड दैट. नेक्स्ट लाइक ब्रीफ. HDFC सिंफनी में जिसने लिया, बिलियनर VIP में जिसने शेयर लिया, एक दफ्ते में कोई फायदा नहीं हुआ, दूसरे में बढ़ गए. TCS रिलायंस, वो 3 कंपनीज हैव ग्रोन इन 1971 टू दिस 3 कंपनी. TCS दिस थे, एशियन पेंट्स दिस शेयर साहब. ये इसमें किसने कमाया, जो कुलकर्ण बन के, जिसने आज देखा कल देखा, और कभी ब्रोकर के वहाँ तो जाने का ही नहीं और ब्रोकर की बातें सुनने का. ये नेक्स्ट स्लाइड में मेरा वो है काम है. नेक्स्ट
SIP is for Kumkarna, जिसको कुछ पता नहीं चलता है, राइट? तुम सब कुंभकर्ण को पकड़ के लाते हो. नेक्स्ट लमसम इन्वेस्टमेंट, कुंभकर्ण लगा के भूल जाओ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये वृक्ष, हाँ. नाउ अ क्वेश्चन का, थोड़ा टफ है, थोड़ा इजी है, थोड़ा समझने जैसा है. शेयर मार्केट 2019 में कहा जाएगा? 2004 में इंडिया सेंडिंग कैंपेन वॉज रन बाई वाजपेयी. शेयर मार्केट स्टार्टेड ग्रोइंग अप अप अप. इलेक्शन केम, हु वन? कांग्रेस एंड बीजेपी, कांग्रेस एंड लेफ्ट, 20% अप. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. देन कम्स, इसके बाद कौन सा वाजपेयी के बाद? मनमोहन सिंह, यूपीए गवर्नमेंट, लाइकली टू लॉस. टक 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 करके नीचे गया. ओके, और क्या हुआ? यूपीए गवर्नमेंट कम टू द मेजोरिटी, अगेन शेयर मार्केट को रहा. नेक्स्ट लाइक दिस 2009. नाउ कम 2014. 2014 में क्या हुआ? सितंबर 2013 वो वॉज इलेक्टेड, नरेंद्र मोदी वॉज इलेक्टेड एज ए कैंडिडेट फॉर बीजेपी. स्टार्टेड गोइंग अप एंड अप. क्या हुआ? कितनी एक्सपेक्टेड थी सीट जीतने के? 180. हाउ मेनी सीट्स वन? 280. शेयर मार्केट गो अप एंड अप एंड अप. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब क्या होगा? नाउ क्वेश्चन कम 219. 2019 में क्या हो गया? ओके, मैं यहाँ प्रेडिक्शन करूँगा तो पहले तो सबका मोबाइल सब स्विच ऑफ कर देने का, मैं बोलता हूँ वो कोई मान्य नहीं रखता है, और सबको अपने एस्ट्रोनॉजर को बुला के करना कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, बट फिर भी आई एम गेस फॉर द पर्पज ऑफ गेसिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ यू आर बेटिंग दैट देर वॉन्ट बी ए स्टेबल गवर्नमेंट, देर वुड बी ए कॉलिशन गवर्नमेंट. सो व्हाट यू डू? सेल दिस बाइक समवेयर हियर. अगर कॉलिशन गवर्नमेंट आए तो नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, बराबर है? कोलिशन गवर्नमेंट स्टेबल, मेरे को लिखने दो यार. पेन रख रख, चलेगा. ये थोड़ा टफ है, सिर्फ से बोल देता हूँ, तो मैंने गाइड कर दिया. पहले क्या आएगा? कोलिशन गवर्नमेंट. हमने now that you stand, you selected that government is not going to come, there will be a coalition government, and market also assumed that a coalition government. So kya hoga? Market would go down and coalition government aayi. Pani aayi ye pani ab na chabi phari bhi hui jayega na. Coalition government aage, market would grow further down. Okay, next slide please. Market also assumes that there would be a coalition government. Tumne coalition government assume kiya, market ne kya kiya? Stable government goes up. Ab kya hua? Market coalition government aayi, agar government aayi to upar gaya. Tumne kya decision liya? Kharidne ke sacha. So if you think that you would buy it, okay, you buy at a market at 5% discount, coalition government, but within no time, agar aapka galat nikla to market ke sab jayega 25%. You assume and reverse has happened. 5 to 1 your possibility of winning. Kya karna chahiye? IPL mein satta lagana chahiye. Next slide please. तुमने सोचा रिवर्स, अगर तुमने सोचा वो हुआ तो 5% हुआ, तुमने सोचा नहीं हुआ तो 25% गेन. जैसे ही गवर्नमेंट आएगी, और मैं बताता हूँ कोई भी गवर्नमेंट आएगी विदिन वन ईयर इट वुड बी अगेन बैक टू नॉर्मल, कोई गवर्नमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको स्टैंड लेके यू कैन चूज इट. नेक्स्ट, मार्केट के बारे में जेपी मुर्गन साहब है, वन ऑफ द मोस्ट
एलाइट पर्सन देवर गाइडिंग. तुम कभी भी उसको सुबह में इंटरव्यू पूछो तो बोलेगा मार्केट हिलेगा डोलेगा और आएगा. अगर तुम हर CNBC देखोगे ना एक ही न्यूज आएगा, एक ही न्यूज, एक साल बाद में वही न्यूज़पेपर पढ़ो जो CNBC में न्यूज आता है. मार्केट में करेक्शन होने का पूरा चांसेस है. अभी ये मार्केट में इंडेक्स तो क्या बोलते हैं वो ऑयल प्राइस बढ़ेगा, ऑयल प्राइस बढ़ने की संभावना है. ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो GDP क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट होगी, GDP डाउन जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, सब शेयर मार्केट घटेगा. सब सेम स्टोरी, 5-6 कॉन्सेप्ट ही है. ओके, बट मार्केट इज रन ऑन कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी. मार्केट रन ऑन हाउ मेनी थिंग्स, वन इज फंडामेंटल, वन इज क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल लिक्विडिटी एंड यूफोरिया. इट्स नॉट रियल. तीन चीज पे चलता है. लिक्विडिटी, लिक्विडिटी होगी तो शेयर मार्केट बढ़ेगा, फंडामेंटल गुड होगा तो बढ़ेगा, यूफोरिया होगा तो भी ऊपर नीचे जाएगा. तो मार्केट ये आपको बहुत क्लियर है. I will buy a share which I will think that it will never go up again. Next slide, please. Okay. Now somebody, and I have said and you buy a share. Okay. So you enter this ride. अगर ride में बैठ गए, तो बैठने के बाद तुमको पूरा ride में अक्कर चक्कर चलना पड़ेगा. बीच में उतरने का नहीं. बीच में उतरेगा तो gone, injured. बाहर निकलने के बाद क्या पूछने का, मजा आया. क्यों मजा आया पता नहीं, इसका कोई पूछने का नहीं. बट जो बैठे रहेगा उसको फायदा 100%. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट, ओके, नाउ दिस इज स्लाइड विच इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. देर आर ओनली 3 काइंड ऑफ पीपल, अंडरवेट, न्यूट्रल एंड ओवरवेट. ओके, अंडरवेट मतलब जिसने कभी शेयर में कुछ पैसा लगाया है, जिसने थोड़ा लगाया, जिसके पास बहुत पैसे है. ओके, एंड देर आर ओनली 3 कंडीशन ऑफ शेयर मार्केट. फेयर वैल्यू, बिलो फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, एबो फेयर वैल्यू. एबो फेयर वैल्यू कब होगा, आई गिव यू एन एग्जांपल. हर्षद मेहता, केतन, केतन भाई, फिर तीसरा FII invested too much in share market. फिर नरेंद्र मोदी 350 सीट आएगी. Above fair value. Below fair value कब होगा, कि जैसे आज जो माहौल है, कि जैसे मैंने below fair value जैसे जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, बराबर है, और अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की वॉर हो गई, बराबर है, चाइना ने अमेरिका ना पाकिस्तान ने हमारे पे हमला बोल दिया, सब ट्रकें चलने लगी, बिलो फेयर वैल्यू. क्लियर एवरीबॉडी, 3 वेज. अब वो मेरा पहला, दूसरा अंडरवेट है, उसको बिलो फेयर वैल्यू है तो लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. ओके, अब फेयर वैल्यू है तो यू गो फॉर SIP, SDPO, लमसम इन्वेस्टमेंट. ओके, और अगर न्यूट्रल आदमी है उसको लमसम इन्वेस्ट करो. जो और है बेटर है उसको FNO खरीदो, कुछ अच्छे शेयर खरीदो जो रिस्की है, मिड कैप, स्मॉल कैप. अभी अभी अपने मिड कैप, स्मॉल कैप, अभी टाइम आ गया ना, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप. बट लार्ज कैप का तो हम ये, इसको लार्ज कैप में किसको जाना चाहिए, अंडरवेट. मिड कैप में किसको जाना चाहिए, और रिलायंस किसको खरीदना चाहिए. ओके, कोई रिस्की कंपनी है, IT कंपनी है जो अभी अभी नहीं आई है, किसको जाना चाहिए. Okay. इसमें भी यू कैन हैव अ दिस थिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जो अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको डेली इंडेक्स देखने का नहीं, न सुनो ये गांधी जी का 3 बंदर है, नहीं सेंसेक्स की ओर देखो एक बार. और ये जो रेगुलर इन्वेस्टर है, गुड फुट. आज HDFC में घपला का वो बाहर आ गया,
never go in deep in bits. मैं कभी सीएनबीसी नहीं देखता, मुझे पता है उसमें जो आदमी आते हैं उसको बेचारे को नौकरी नहीं मिलती है, कहीं आकर बैठता है या फिर उसको कुछ मार्केटिंग करना पड़ता है वो करता है। मैं वह झुंझुन वाला और बड़े बड़े साहब जाते हैं इसलिए मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता, बट दे गो फॉर देयर प्रोडक्ट्स नॉट अदर्स। एसेट एलोकेशन, आपकी एसेट का एलोकेशन पर एलोकेशन कैसे होगा मैं नेक्स्ट लाइन में बताता हूँ। तो टिप्स में मत जाओ, कोई भी आदमी आके बोलो आज शहर ले लो पान वाला, पहले तो पान वाला के वहाँ जो धंधा होता था वो कहीं नहीं होता था, ये सब बोल जाओ नेक्स्ट टाइम प्लीज। अब मैं आपको जिसको गोविंद जो हमारे जिसको पढ़ा लिखा नहीं है उसको इसमें डालना चाहिए। ये जो शेयर मार्केट है जीरो या कंप्यूटर ले जा सकता है, ये है सॉरी, ये 1st January 1990 में शेयर मार्केट कहता था 890, आज कहाँ है 38,000 समथिंग है, 39 समथिंग है, यहाँ नहीं मिलेगा तो मैं स्लाइड बनाया 38,000। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके मैंने प्रीवियस है ना, हाँ निफ्टी है, दिस इज निफ्टी सॉरी, ओके आई गेट इट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैंने यहाँ जो पहला जो था वो डेट ही लिखा है, ओके ये इसका इंडेक्स लिखा है, ये मैंने आज की डेट लिखी है, आज का इंडेक्स लिखा है, यहाँ मैंने फॉर्मूला डाला है कितना रिटर्न आता है। अगर पीपीएफ में भी जाओ तो भी पीपीएफ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज गिविंग, अगर 1999 से आज तक का पीपीएफ का रेट होते हैं कम अराउंड 7.2% प्लस डिविडेंड। नो डिविडेंड यू हैव इंक्लूडेड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सो दिस इज अ बेयर मिनिमम अमाउंट। आई डोंट नो मे बी यू आर राइट, ओके देन इन दैट केस डिविडेंड दैट कुड बी मोर देन अराउंड 20-30%, ओके दिस इज बेयर मिनिमम। आई ऑलवेज जो अनपढ़ है उसको क्या करने का, निफ्टी खरीदो, कितने में मिलती है मार्केट में मिलती है, कितना इसमें कितना 0.3% कमीशन होता है, 0.3% एक्सपेंस रेशियो। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में जाके निफ्टी खरीदो तो इस एक्सपेंस रेशियो इज 0.3%, आपको 13.97 में से पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, 0.3 मतलब यहाँ आएगा, so you would get 13.67. clear, yes no everybody, unpadh aadmi aur unpadh matlab unpadh ye isme jao minimum, your parents jiske paas paise nahi hai usko yahan laga koi problem nahi hai. next slide please. ye bs index hai, zero se chalu hota hai wahan jata hai. next slide please. 3rd january index was 561, it gives return how much, 538 buy index. next slide please. ये मैंने कल का रेट लिया, ओके देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा लिक्विड फंड, यहाँ मैंने 1-5 years का इसका एवरेज लिया, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ये मेरे यहाँ से स्लाइड लो, आपको इस तरह से जो लास्ट जो स्लाइड है उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सब डेट फंड है, ओके वेल देयर इज नो रिस्क एट ऑल, ये इक्विटी सेविंग फंड है, यहाँ अगर आप देखो तो ये 16 16 16 24 24 कहाँ है 24 स्मॉल कैप, 29 24 26 24, ये फंड कितना है 73,000 crore, ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये पूरा सेक्टोरियल का मैंने डिटेल दिया, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, पूरा ये फंड साइज है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा आता है, इसमें आपको सिलेक्ट करने की जो ये सेक्टर बना हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो किसी को भी कुछ भी पता नहीं चले 14-15% तो मिनिमम मिलेगा, हाउ टू एलोकेट द फंड्स, अब ये सब आ गया, मुझे डेप्ट में कुछ रखना है, इक्विटी में कुछ रखना है, आईपी में कुछ रखना है, और मेरे जो यंग दोस्त बैठे हैं जिसको शेयर मार्केट में रस है, आई टेल यू जब पता चले तो SIP लो, SIP इंडेक्स लो, या तो डेप्ट लो, कभी इक्विटी मत लो। रीजन, मैं जब तक 30-35 साल का होगा
that is verified. If I got a chance to do a business or I want a chance to do a study, मैं 10 साल नौकरी किया, मेरे को 5-3 साल पढ़ना है, तो मेरे पास डेप्थ में होगा तो पैसा मिलेगा. In my life, I spend lot of money in my life on my investment, my study. I invested so many money. Because of that, today I am earning money easily. So I got it. I when my daughter is abroad, okay, and she has gone CCA, CS, SAP, BISA, CISA. And she has gone abroad on a PR basis in the hospital. I said, don't buy a house. Spend money on your education. Spend money on your some car and everything. But don't buy a house. Don't buy any mutual fund. Until you are sufficiently vibrant, don't buy any. For young people, I am not in favor of investing money, buying a house or this. Okay? Clear? Yes, no? For old people, different formula. Buy debt, buy equity. मैंने आपको previous slide में चले गए previous slide. ये जो fund है, इसमें आप जाओ small cap, mid cap, on the basis of your financial need. अगर तुम्हारे पास पैसा कम है, खाने पीने का लाले है, जैसे कोई लोग है, बराबर है, उनको pension मिलता है 1,00,000 रुपया, 70-80,000, और खुद का घर है, तो इनको क्या करना चाहिए? Mid cap में जाओ. शेयर डायरेक्टली. और जैसे जैसे कोई है, जैसे ये अपना क्या नाम है, एमके थी, इनके पास घर है, कोई पेंशन नहीं है, तो दे हैव टू गो फॉर निफ्टी, दे हैव टू गो फॉर लार्ज कैप. ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क एपेटाइट, गो फॉर द शेयर्स. ओके? एंड इफ यू हैव अ सफिशिएंट फंड एंड यू डोंट गो फॉर सर्टेन शेयर्स, यू आर द लूजर, बिकॉज यू पुट मनी इन अ रॉन्ग प्लेस एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ रिटर्न. सो इट गोज विद द मिड कैप. मैंने क्या बताया, यंग लोगों को डेट, ओल्ड लोग जिसको रिस्क एपेटाइट है वो उधर जाए, अपना खुद का रिस्क एपेटाइट खुद डिसाइड करें. ठीक है, डन. ये सब मैंने आपको अभी दिया. नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द इक्विटी, सेलेक्ट द प्रोडक्ट. वॉरेन बफेट ने क्या किया, कोका कोला कंपनी के शेयर. किसके शेयर लिए, कैंडी कंपनी के शेयर. Candy is a mirror of क्या बोलते हैं लोग, वो बर्थडे केक है तो कैंडी से जाके आएंगे. है वैलेंटाइंस डे वाज सीरियस कैंडी यू आर रेफरिंग. या वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे, बर्थडे गिफ्ट, एवरीथिंग, पीपल वुड बाय कैंडी. एंड कैंडी का प्राइस कितना भी बढ़ेगा, वो बोलते हैं कोका कोला का प्राइस कितना भी बढ़ेगा, लोग खरीदेंगे. क्या बोलता है Warren Buffett, what he buys a product and then he selects the shares. He buys per diem. Okay? He thought it's a law, not a thing. It's in India, pe bhi bahut research kiya. So, kya karne ka? Product sector select kar. Then select the promoters. Maine mera ek friend hai, ek company mein naukri karta tha, and I had all of my friends. Jadas hai, wo hai. बट वो लोग मिलते. मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे दिल्ली से मिलने आया था. मैं बोला कहाँ जा, कहाँ जाके आया. बोले मेरे टेंडर था गया. बोले बोला यार, तो फिर वो कंपनी का सब तेने से. नहीं नहीं, मैं ऐसे ही कंपनी बनाती हूँ सब. उसी दिन वो कंपनी के इस ग्रुप के एक भी कंपनी के शेयर डाले नहीं रहे. आर यू क्लियर? दोस प्रमोटर हु आर नॉट इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड विद देमसेल्फ, Never buy a single share. तो कभी कंपनी का पी नहीं देखने का, कभी कंपनी का शेयर का प्राइस नहीं देखना, वॉल्यूम नहीं देखना, क्या देखने का, इंटीग्रेटेड. ओके? सिलेक्ट द कंपनी, सिलेक्ट द प्रोडक्ट, सिलेक्ट द सेक्टर. कुछ सेक्टर ऐसे थे वो लाइफ टाइम है. अलीबाबा कंपनी के शेयर अगर आप है तो सिलेक्ट करो उसका. दो चीज देखो, वो सेक्टर सिलेक्ट किया, प्रमोटर सिलेक्ट किया. डोंट सी द प्राइस. प्राइस भले 5-10 रुपये ज्यादा, बाय द RIL एंड एशियन पेंट्स. एशियन पेंट्स का अगर आप देखो, उसके पास है क्या, वो एडवर्टाइज करता है और प्रोडक्शन बेस वो तो मार्केट से रेडीमेड लोगों से बना के खरीद, वो खुद का तो मैन्युफैक्चरिंग बेस है ही. यस नो? RIL, आई टेल यू, कैन एनीबॉडी अज्यूम दैट बिफोर 2 years इट डजंट
entered the telecom sector. He entered the telecom sector, break the telecom sector. Now number two, in no time. And I assure you, many, many more Jack Ma and Warren Buffett is in this country. Nobody can stop them. Okay. Book value, brand value, everything is a parameter. Are you getting what I'm saying? Select very choosy. आपको किसी के पास जाओ तो खाली पांच ही कंपनी मिलेगी तुम कोई भी मैं हर तीन महीने में एक कंपनी ढूंढता एंड आई रीड वन आवर अ डे फॉर दिस कंपनी टू बी सच एंड देन आई गो एंड स्विच इट एंड मेनी ऑफ माय फ्रेंड आर वर्किंग इन दैट आई सी द कल्चर रिलायंस का कल्चर क्या है मालूम है रिलायंस का जो सीईओ है इज माय क्लाइंट ओके आई एम लकी टू हैव वेरी गुड क्लाइंट्स दिस एंड ही कम एंड टेल मी यू नो इंजॉय कंपनी इसको हेलीकॉप्टर में वो चॉपर भेजा इंटरव्यू लिया ले लिया वो एवरी ईयर ही कम एंड सिट मी फॉर वन आवर बोले नितिन भाई मुझे रिसोर्सेज सब देते हैं मैं प्रोडक्शन करता हूँ सेल करता हूँ पर लोग खरीदे तो नहीं मैं क्या करूँ रिगार्डिंग व्हाट आई एम सेइंग ही वाज अंडर प्रेशर टू डिलीवर द रिजल्ट फ्रॉम Mukesh Ambani. Mukesh Ambani says, I don't listen. Okay? I give you the target, sales, I give you the profit, resources you take. So if this is the type of a company, that company share, you buy it without any hesitation. Forget it. This is a rule-based company, ethic-based company. This company would last forever. Next slide, ye ho gaya, preview ho gaya, parameter ho gaya, next slide. म्यूचुअल फंड कैसे खरीदते मैनेजमेंट ऑफ द फंड ब्रांड इमेज ऑफ द शेयर डेप्ट इक्विटी रेशियो एक्सपेंस रेशियो क्वांटम ऑफ द फंड बेटा बेटा मीन्स रिस्क हाउ इट हैज ओवर परफॉर्म द नॉर्मल रिस्क रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ये फंड साइज डाइवर्सिटी टॉप सेक्टर 10 कंपनीज पीएससी से मेड है टाइप ऑफ फंड ये थीमेटिक फंड है प्राइवेट इक्विटी है अगर कोई आदमी अगर मुझे बोलता है कि मैं तुमको ब्रांड इक्विटी देता हूँ बराबर उसका लिफलेट देता है और मेरे पास 10-15 करोड़ है मैं अगर मुझे लगता है कि इसका जो क्वालिफाइड है तो मैं मेरा 1% हाफ ए परसेंट आई कैन गो एन इक्वल इन अ प्राइवेट इक्विटी यू कैन गो एंड गिव इट मनी यू थिंक दैट आई एम टेकिंग ए रिस्क एंड गिविंग द मनी You can take it. It's nothing. But किसी और के मत सुनो कोई कंसल्टेंट के मत सुनो बराबर है वो जो लिफलेट लाता है वो देखो कंपनी में जाओ देर आर कंपनी विच आर वेरी वेरी गुड एंड कैन आर मॉर्निंग एक्सपेंस रेशियो टर्न ओवर एंड चर्निंग पोर्टफोलियो रेशियो द सेलेक्शन ऑफ ए म्यूचुअल फंड डिपेंड्स ऑन वेयर दे हैव इन्वेस्टेड हाउ मच ऑफ द साइज हाउ मच इज द एक्सपेंस रेशियो ये सिलेक्ट करके आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज Thanks. Thank you very much. Any question? Welcome. आपने इतनी देर जोर-जोर से सुना इसके लिए शुक्रिया बहुत. What's just you see about this Varilal industry? Only the one investor has offloaded his the stake in Varilal industry. And due to the offloading of his share, it's a 7-point-some percentage. The price came from 750 or 802. Presently, it's in range of 560. But the model is same, the product is same, the market is there. There is no change in the underlying factor.